everybody. So let's start our next topic, which is reinforced cement concrete today. The topic for the session is reinforced cement concrete. तो नाम से ही स्टार्ट कर लेते हैं. जो हमने नाम लिखा हुआ है, किसी चीज को रिइंफोर्स्ड करना, किस चीज को, सीमेंट कंक्रीट को. रिइंफोर्स मतलब ताकत देना, सपोर्ट देना किसी चीज को. किसको? सीमेंट कंक्रीट को. तो सबसे पहले जिस चीज को सपोर्ट दिया जा रहा है उसी से अपनी बात स्टार्ट करते हैं, सीमेंट कंक्रीट से. उसके बाद हम सपोर्ट पे जाएंगे. तो व्हाट इज सीमेंट कंक्रीट? कंक्रीट इज व्हाट? कंक्रीट इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग मटेरियल लाइक एग्रीगेट और सैंड. इट इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग मटेरियल. यू हैव टू मेक कंक्रीट. कंक्रीट आपको बनाना पड़ता है. इन ऑर्डर टू मेक कंक्रीट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मिक्स डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टुगेदर. आपको डिफरेंट चीजों को साथ में मिक्स करना होता है. तो इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट थिंग्स विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द नेचर. कौन कौन सी चीजों को मिक्स करके आप कंक्रीट बनाते हो, वो चीजें होती हैं. एक होता है आपका कोर्स एग्रीगेट, बड़े साइज का एग्रीगेट. कितने बड़े साइज का? कोर्स एग्रीगेट का जो साइज जनरली लिया जाता है, दिस इज ग्रेटर देन 4.75 mm. इससे ज्यादा साइज का जो एग्रीगेट होता है उसको कोर्स एग्रीगेट बोला जाता है. सीमेंट कंक्रीट का जो आरसीसी वाला पार्ट होता है, रिइंफोर्स वाला पार्ट होता है, उसमें जो आप साइज जनरली कंसीडर करते हो वो आप जनरली यूज करते हो 20 mm, इससे ज्यादा है. और आप जो साइज यूज कर रहे हो 20 mm का कोर्स एग्रीगेट, जनरली आप मैक्सिमम साइज ये जनरल कंसीडर आप करके चलते हो. कोर्स एग्रीगेट में आप एड करते हो फाइन एग्रीगेट, उससे छोटे साइज का एग्रीगेट. कितने छोटे साइज का? फाइन एग्रीगेट का साइज होता है, द साइज इज less than 4.75 mm. in general the fine aggregate which we use in our concrete is sand. sand को हम use करते हैं generally. इन दोनों को साथ में जोड़ने के लिए एक तीसरा चीज यूज की जाती है, इसको बोलते हैं सीमेंट. इसीलिए इसको बोला जाता है सीमेंट कंक्रीट. तो सीमेंट एक बाइंडर की तरह काम करता है जो इनको चिपका के रखता है. और इस पूरे सिस्टम में जब आप वाटर एड कर देते हो तो आपको मिल जाता है फाइनल कंक्रीट, जिस कंक्रीट को यूज किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. वो जो कंक्रीट आपने बनाई है उस कंक्रीट के अंदर आपने डिफरेंट चीजों का मिक्सचर लगाया है. वो डिफरेंट चीजें क्या क्या हो गई? कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, साथ में सीमेंट हो गया, और उसके बाद आपने उसमें वाटर डाल दिया. ये सबको मिक्स कुछ ऐसे किया जाता है कि ये कॉम्पैक्ट बढ़िया सा मिक्सचर बने. एक चीज हमें पता है कि कोर्स एग्रीगेट का साइज ज्यादा है. अगर कोर्स एग्रीगेट का साइज ज्यादा है तो उसके बीच में जो वॉइड्स होंगे उनका साइज भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही आ रहा होगा. ऑब्वियस सी बात है, जो आप साइज यूज करते हो, जो आप ग्रेडिंग यूज करते हो, हमेशा याद रखना आप डिफरेंट मिक्सचर यूज करते हो, डिफरेंट साइज के स्टोन्स यूज करते होंगे सारे कोर्स, बट जो एग्रीगेट आप यूज कर रहे होंगे, अलग अलग छोटी छोटी बजरी जो यूज कर रहे होंगे उसका साइज अलग अलग होगा. रीजन इज दैट कि अगर आप डिफरेंट साइज और शेप के यूज करोगे तो वो एक कॉम्पैक्ट मिक्सचर बनाएंगे, उनके बीच के वॉइड्स कम से कम होंगे. सेम केस आप सैंड के साथ करते हो, फाइन एग्रीगेट के साथ करते हो, बहुत छोटे छोटे अलग अलग साइज की चीजें लेके मिक्स करते हो, और सीमेंट आप जैसा मिल रहा है आपके पास वो आप यूज करते ही हो डायरेक्ट. एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि कोर्स एग्रीगेट के जो बीच के वॉइड होंगे, ये फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो कोर्स एग्रीगेट के अंदर के जो वॉइड्स हैं उनको पूरा फिल कर दे, पूरा बढ़िया करके फिल कर दे. तो फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के वॉइड में जाएगा, और जो फाइन एग्रीगेट के वॉइड है उसमें सीमेंट जाके बैठ जाएगा. तो कुछ इस तरीके से हमें ये मिक्सचर बनाना होता है कि फाइन कोर्स के अंदर भर जाएगा और जो सीमेंट है वो फाइन के अंदर भर जाएगा, और जब तीनों एक दूसरे के अंदर भर जाएंगे तो ऊपर से पानी आ जाएगा और वो बढ़िया सा मेरा कॉन्क्रीट का एक वर्केबल मिक्सचर तैयार हो जाएगा. यहां पर मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, टेक्निकल वर्केबल. Workability in concrete refers to the system which allows you to use the concrete properly. Use का मतलब होता है concrete बनाना, transfer करना, ले जाके वहां पे उसे compact कर देना जहां पे आपको concrete लगानी है. The whole system makes the concrete workable. The moving, placing, compacting, each and everything, this comes under the thing, the statement which is वर्केबल कॉन्क्रीट. तो वर्केबिलिटी का मतलब आराम से यूज करना. तो ये सारी चीजें आप जब मिक्स करते हो आप एक वर्केबल कॉन्क्रीट बनाते हो. एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप इनको मिक्स करते हो तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी डिसाइड की जाती है. इसमें आप इस तरीके से कुछ डिसीजन लेते हो कि आपकी जो कोर्स एग्रीगेट की वॉइड है वो फाइन फिल करेगा, फाइन की सीमेंट फिल करेगा, और सीमेंट के साथ वाटर भी आ रहा है. तो यहां पे सबसे पहले आप दो अलग अलग मेथड का यूज करते हो डिजाइन के लिए. एक होता है नॉमिनल मिक्स, जिसको हम बोलेंगे, एक होगा मेरा डिजाइन मिक्स. देखो नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है, जैसे आप जनरली साइट पे देखते हो घर वगैरह जब बनते हैं कि जो लेबर होता है वो तसला लेके कि लाइक दिस इतना तसला यूज करना है सैंड का, इतना एग्रीगेट का, इतना तसला सीमेंट का यूज करके
पानी डाल दो अपने मन से ऊपर जो एग्रीगेट बन गया उसको बोलते हैं नॉमिनल मिक्स, वो एक्सपीरियंस और अंदाजे से बनता है छोटे स्ट्रक्चर्स के लिए। जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां हम यूज करते हैं डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स का मतलब होता है वो प्लांट से डिजाइन होकर आता है। डिजाइन मिक्स जो होता है वो जनरली होता है आपका रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, RMC। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट का मतलब होता है वो प्लांट से प्रॉपरली डिजाइन होकर कैलकुलेशन के साथ निकल के आता है और उसको वहां बनाया जाता है प्लांट में। उसके बाद उसे फटाफट ट्रक से ट्रांसफर किया जाता है, भर के बड़ा सा होस लगा होता है, पाइप होता है, पाइप से उस कंक्रीट को बिछा दिया जाता है। दिस इज द सिस्टम विच इज डिजाइन मिक्स, यू कैन से दैट विच इज अ प्रॉपरली डिजाइन कंक्रीट। बट इन जनरल व्हाट वी यूज नॉमिनल मिक्सचर। नॉमिनल मिक्सचर, नॉमिनल डिजाइन गिव्स यू अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स। अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ व्हाट थ्री डिफरेंट थिंग्स? नॉमिनल मिक्स जो होता है ये आपको एक जनरल रेशियो बता देता है। ये कहता है कि यू विल बी हैविंग अ जनरल रेशियो ऑफ सीमेंट इज टू दिस सैंड और फाइन एग्रीगेट, यू कैन से दैट इज टू द कोर्स एग्रीगेट। तो दिस इज द नॉमिनल मिक्स विच इज गिविंग यू अ बेसिक रेशियो ऑफ दी डिफरेंट थिंग्स। यू कैन से दैट दिस इज ए इज टू बी इज टू सी। एक नॉमिनल रेशियो आप डिसाइड कर देते हो, उस रेशियो के बेस पे आपको पता लग जाता है आपकी कौन सी कॉन्क्रीट बनेगी, कौन सी कॉन्क्रीट बनेगी की बात अगर हम करें तो हमें एक चीज समझ में आ जाती है। किसी भी चीज की अगर आप यूज लाने वाले हो, कॉन्क्रीट का कहां यूज लाने वाले हो, कॉन्क्रीट को आप किसी स्ट्रक्चर में लगाने वाले हो, सो ऑब्वियस स्ट्रक्चर में अगर लगाने वाले हो या किसी चीज में लगाने वाले हो तो वहां पे लोड आने वाला। इट मींस द कंक्रीट हैज टू टेक सम काइंड ऑफ लोड। इफ इट हैज टू टेक सम काइंड ऑफ लोड तो यू हैव टू जज की व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ द कंक्रीट शुड पोजेस, कंक्रीट में क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते क्योंकि ये रेशियो वगैरह सब मिला के जो कंक्रीट बन रहा है वो अल्टीमेट पर्पस इज ओनली वन, दैट इज यू हैव टू यूज दैट इन द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपरली स्टेबल एंड इट शुड बी एबल टू हैंडल ईच एंड एवरी लोड विच इज बींग प्लेस ओवर द स्ट्रक्चर, वेदर इट इज डेड लोड विच इज सेल्फ वेट और इट इज अ लाइव लोड। लाइव लोड मीन्स जो लोड वेरी करता रहता है, बात करेंगे उसकी भी आगे। तो मुझे बेसिकली स्ट्रेंथ की बात करनी है। अब कंक्रीट जो मैंने बनाया है, जो मिक्स करके चाहे नॉर्मल बनाया हो चाहे डिजाइन बनाया हो, जो मिक्स बनाया है उसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, देखो हमेशा जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं मेरा हमेशा से सिंपल एक ही फंडा रहता है कि जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द फर्स्ट क्लास कंटिन्यूसली विद द लास्ट क्लास। कनेक्शन बना के स्टोरी बना के चलोगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। कनेक्शन बना के आगे वही आगे स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाना है। दिस इज द सेम थिंग व्हाट एवर सब्जेक्ट विल हैंडल हियर, सब कुछ ऐसे ही करना है। कनेक्शन बना के दिमाग में स्टोरी हो जाती है ना फिर चीजें की, ऐसे बोला था सर ने, फिर ऐसे बोला था, फिर ऐसे बोला था, फिर वीडियो तो आपके पास आई। वीडियो का सबसे बढ़िया क्या है, पिक्चर चल रही है, देखो आराम से बैठ के ऐसे करके बैठ जाओ और देखते रहो क्या चल रहा है, फिर एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, उसके बाद बंद कर दो, रिकॉल करके फटाफट सोच सोच के नोट्स बना लो, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से कुछ पढ़ा करो, बहुत जल्दी तैयारी होती है। स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। अब कंक्रीट मुझे पता है, कंक्रीट इज व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल? कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल। नाउ व्हाट अबाउट द ब्रिटल मटेरियल? ब्रिटल मटेरियल का हमने स्ट्रेंथ की बात की थी। ब्रिटल मटेरियल की सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में होती है? कंप्रेशन में। मतलब कंप्रेशन में ब्रिटल मटेरियल टूट नहीं सकता। ब्रिक होता है, ब्रिक के ऊपर कूद भी जाओगे ना, खड़े होगे तब भी वो नहीं टूटेगा क्योंकि आप उसे दबा रहे हो, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड ब्रिटल मेटल जो होता है या मटेरियल जो होता है वो वीक सबसे ज्यादा किस में होता है? टेंशन में। इसका मतलब इसको टेंशन नहीं चाहिए, ये कॉम्प्रेशन झेल लेगा, टेंशन इसके बस की नहीं है, टेंशन में ये टूट जाएगा। कितने एंगल पे टूट रहा था? 90 डिग्री पे टूट रहा था, याद होगा खींच रहे थे तो 20 से 90 पे टूट जा रहा था। डक्टाइल मेटल कितने पे टूट रहा था? 45 पे, क्योंकि वो वीकेस्ट किस में होता था? शीयर में होता था। याद रखना सब चीजें एकदम क्लियर, पूछा जाती है सारी चीजें। तो ब्रिटल मेटल है आपका, ब्रिटल मटेरियल है कंक्रीट, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ कॉम्प्रेशन में बहुत ही ज्यादा होती है। इसका मतलब जो भी कंक्रीट यूज करोगे या जो भी मिक्सचर बनाया होगा उसकी एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, उसकी खुद की एक स्ट्रेंथ होगी जो उसकी मैक्सिमम एबिलिटी होगी किसी भी कॉम्प्रेसिव लोड को या कॉम्प्रेसिव फोर्सेस को हैंडल करने की। किसी भी कॉम्प्रेसिव फोर्स को हैंडल करने का मतलब होता है वो बॉडी अपने अंदर उस फोर्स के अगेंस्ट रिस्पांस जनरेट करती है। अगर बाहर से कुछ ऐसी फोर्स आ रही है जो कॉम्प्रेशन क्रिएट कर रही है तो अंदर से बॉडी भी कुछ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट करेगी इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। इट मींस दैट द कंप्रेसिव फोर्सेस जो बाहर से आएंगी उसको बॉडी इंटरनली रिस्पॉन्स जनरेट करेगी इंटरनली। इसका मतलब मैं जो मिक्सचर बनाऊंगा वो मिक्सचर के जो रेशियो होंगे चीजों के वो रेशियो कंक्रीट की मिक्सचर की स्ट्रेंथ बताएंगे बेसिकली, कि कौन सी कंक्रीट कितने दम रखती है, कितनी वैल्यू पे टूटेगी जाके, किसकी स्ट्रेंथ की, कितनी स्ट्रेंथ की, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लोड हैंडल कर सकता है डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब यहां पे एक क्लियर चीज हो गई कि कंक्रीट की जो अल्टीमेट जो फाइनल स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट हैंडल कर सकता है वो कंप्रेशन में होगी और उसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। एक चीज क्लियर हो गई
कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है, जो मिक्स की स्ट्रेंथ कहलाती है, बेसिकली जो मिक्स आपने बनाया है ऊपर उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है, उसको डिनोट किया जाता है एफ सी के की फॉर्म में. दिस एफ सी के इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के नाम से डिनोट किया जाता है. कॉन्क्रीट में जब भी स्ट्रेंथ निकाली जाती है तो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट क्यूब्स को कंसीडर करते हो. आप क्यूब्स लेते हो, डिफरेंट क्यूब्स लेते हो जिनकी साइड होती है 150 mm by 150 की, मतलब ओवरऑल क्यूब है तो सारी डायमेंशन बराबर होंगी. 150 mm साइड का आप क्यूब लेते हो, इसको आप टेस्टिंग मशीन में डाल के कॉम्प्रेशन लगाते हो, जिस वैल्यू तक ये दम रखता है, जुड़े रहने का, टूटता नहीं है, मतलब वो इसकी फाइनल स्ट्रेंथ होती है. ऐसे आप बहुत सारे क्यूब्स यूज करते हो, इन जनरल हम 3 यूज करते हैं, और बार बार आप टेस्ट करते हो तो आपके पास, जब आप टेस्ट करते चले जाते हो तो ऑब्वियस ही बात है आपने मिक्सचर बनाया है, मिक्सचर बना के उसके क्यूब बना लिए हैं, क्यूब को बढ़िया एकदम सॉलिड कर दिया है, जमा दिया है आपने, उसको फिक्स कर दिया है. कंक्रीट जनरली जो स्ट्रेंथ है वो गेन करता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, कंक्रीट 28 दिन तक अपनी बढ़िया स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और फाइनल स्ट्रेंथ तक इन जनरल पहुंच जाता है. 28 डेज तक उसकी स्ट्रेंथ एकदम वैल्यू तक पहुंच जाती है. कंक्रीट की जब स्ट्रेंथ वो गेन कर रहा होता है, उस केस में उस बीच में आपको पानी डालना होता है उसके अंदर, क्योंकि वो हीट ऑफ हाइड्रेशन, जितना ज्यादा हीट बाहर निकालता है कंक्रीट, जैसे जैसे आपने देखा होगा क्योरिंग बोलते हैं उसको, मिनिमम कम से कम 7 दिन आपको करनी पड़ती है, पानी डालना ही होता है. 7 से 14 दिन के बीच में क्योरिंग करते हो, पानी आपने देखा होगा कभी भी कंस्ट्रक्शन होता है वो पानी डालता रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे जैसे पानी डालेगा वैसे वैसे कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ गेन करेगा, वैसे वैसे स्ट्रेंथ गेन करता है, और जनरली 28 दिन तक वो स्ट्रेंथ गेन करता रहता है. 28 दिन के बाद उसकी अचीव हो जाती है स्ट्रेंथ, और फिर आप क्या करते हो, उन क्यूब्स को उठा के उनको टेस्ट करते हो, उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हो. आप क्या करते हो, बहुत सारे क्यूब्स यूज करके बहुत सारी अलग अलग टेस्टिंग जब आप करते हो तो आपको बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज मिलती है, जिनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है. वेरिएशन मतलब जरूरी नहीं है हर बार आपको सेम स्ट्रेंथ मिलेगी. मान लो मैंने एक कॉन्क्रीट का मिक्सचर बनाया, नॉर्मल तरीके से बना लिया, एक मिक्सचर बनाया, उसकी क्यूब बनाया, उस क्यूब को मैंने टेस्ट किया, तो एक बार जब मैंने टेस्ट किया तो वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फेल हो गया. मान लो फॉर एग्जांपल 25 newton per mm square, इतनी वैल्यू पे फेल हो गया जब मैंने इतना न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का ऊपर से लोड लगाया. उसके बाद नेक्स्ट टाइम किया तो 26 newton per mm square पे फेल हो गया. उसके बाद फिर किया तो वो 30 newton per mm square इस तरीके से फेल हो गया. तो ऐसे करके जैसे जैसे आप टेस्ट करते चले जा रहे हो आपकी वैल्यूज वेरी करती चली जा रही है. तो आप क्या करते हो, आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो. उस ग्राफ की दो एक्सेस होती हैं, एक होती है वर्टिकल एक्सेस, ये आपको नंबर ऑफ टेस्ट बता रही होती है, और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये आपको स्ट्रेंथ बता रही होती है. स्ट्रेंथ जैसे जैसे आप टेस्ट करते चले जाते हो, वाई एक्सेस पे आपके नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको एक ग्राफ मिलता है, कुछ इस तरीके से एक ग्राफ मिलता है, एक वैल्यू मिलती है, जिसमें ये सारी वैल्यूज आपको अलग अलग स्ट्रेंथ की वैल्यूज बता रही होती हैं इस एक्सेस पे. तो ये सारी स्ट्रेंथ की वैल्यूज होती है. मान लो ये आपका 25 था, ये 30 था, ये 35 था, ऐसे करके आपकी स्ट्रेंथ है, ये मान लो 50 है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, इस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ बता रही है. इस एक्सिस पे आपने लिखे हैं नंबर ऑफ जो आपने टेस्ट किए हुए हैं, वो आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट है. तो ये इस तरीके से कुछ ग्राफ मिलता है. अब टेक्निकल अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, टेक्निकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रेंथ है जो स्ट्रेंथ कंप्रेशन में होगी, और कंक्रीट का कोई भी क्यूब मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता होगा. बट प्रॉब्लम क्या है, आप जब भी सेम मिक्सचर के लिए टेस्ट करते हो हर बार सेम वैल्यू नहीं मिलती है, वैल्यू में वेरिएशन मिलता है, तो फिर कैसे फिक्स किया जाए कि इस टाइप के मिक्स के लिए या इस पर्टिकुलर रेशियो के मिक्स के लिए इस वैल्यू को मैक्सिमम स्ट्रेंथ माना जाएगा मिक्स की, कैसे पता किया जाए. बहुत सारे टेस्ट किए, सारे टेस्ट को ऐसे करके बिछा दिया, एक ग्राफ पे ला, और टेक्निकल डेफिनेशन ये कहती है कि वो वाली वैल्यू कंक्रीट की स्ट्रेंथ की जिसके नीचे सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट बच रहे हो, मतलब the value of strength below which only 5% of the test results are present, that particular value of strength is known as the characteristic strength value of the concrete cube. Matlab, the 5% of the test result are expected to fall below this particular value. This is a technical definition of characteristic strength. What is characteristic strength? Characteristic strength of concrete is basically that particular value of strength below which only 5% of the test result are expected to fall. Test result means
you have performed test on the same mixture different time and you have plotted a graph which is like this, which is a graph like this. Now, in this particular graph, the 5% test result aapne yahan se hata diye, it means that the value of strength, for example, this is 30 newton per mm square. Iska matlab ye hai ki yahan pe jo cube aapne liya hai, jiski testing ki hai, iski jo characteristic strength hogi, this strength will be 30 newton per mm square. 30. This is the technical definition of the characteristic strength. Means that whenever you will design this concrete, you will consider the maximum compressive strength which this concrete can handle, this mixture can handle, is 30 newton per mm square. Ab, जब मैंने एक मिक्सर बनाया था उस मिक्सर को रेशियो लिखा था A is to B is to C सीमेंट is to fine is to coarse aggregate का और मैंने ये कहा था ये जो मिक्सर है इसके मैंने क्यूब बना के टेस्ट किए थे और ये जो क्यूब मैंने बनाए थे उसके डिफरेंट टेस्ट किए थे थोड़ा बहुत वेरिएशन आया था 5% को हटा दिया एक वैल्यू आ गई ये मिक्सर की स्ट्रेंथ आ गई एफ सी के ये वैल्यू आ गई 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निकल तरीका होता है इस मिक्सर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एम 30 नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ एम एम इज नथिंग बट द मिक्सर M means refers to mixture and 30 means 30 newton per mm square which is the characteristic strength. तो यहाँ पे ये M denote करता है mix जो मैंने आपको शुरुआत से बताया और ये 30 denote करता है FC के और concrete को कभी भी अब represent किया जाएगा different mixture की values के लिए जिसमें different ratios fix किए होंगे उसको ऐसे M20, M30, M40 like that you will always रिप्रेजेंट हमेशा इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे एम आपको मिक्स बताएगा और दूसरी टर्म जो होगी वो आपको स्ट्रेंथ बता रही होगी इसकी कितनी वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की यहां पे जब आप स्ट्रेंथ को ध्यान से देखते हो तो यहां पे एक स्ट्रेंथ आपको ये बीच में मिलेगी बिल्कुल मिड वाली वैल्यू मिलेगी इस मिड वाली वैल्यू को बोलते हैं मीन स्ट्रेंथ दिस इज नोन एज टारगेट मीन स्ट्रेंथ ये मीन स्ट्रेंथ कहलाता है Now, अगर मैं आपसे कहूं मीन स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होगी तो आप कहोगे द मीन स्ट्रेंथ इज दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच 50% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल 50% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल तो मीन स्ट्रेंथ इज व्हाट स्ट्रेंथ मीन स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर देन दैट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बात है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कितना परसेंट उसके नीचे मटीरियल फॉल कर रहा होगा 50% बीच में है ना मीन स्ट्रेंथ यहां पे एक रिलेशन आता है हमारे पास जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है वो रिलेशन ये कहता है कि जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफएम होती है दिस इज इक्वल टू एफसी के प्लस 1.64 इनटू सिग्मा वेयर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन दिस इज द जनरल वैल्यू और द जनरल इक्वेशन विच यू हैव टू रिमेंबर दैट एफएम इज इक्वल टू एफसी के प्लस 1.64 सिग्मा सिग्मा इज The standard deviation. This is the standard deviation. The standard deviation का मतलब होता है ये mean value है और बहुत सारे test किए हुए हैं वो इस mean value से कुछ value deviate कर रहे हैं इन सारी deviation का जब आप average निकालते हो वो standard deviation कहलाता है उस standard deviation को यहाँ put करोगे This is the relation which you have to remember for objective point of view से आपको ये relation हमेशा ध्यान रखना है FM is equal to FCK plus 1.64 sigma one thing is clear that FM will be greater than that of FCK now here comes another thing which you have to remember अब मैंने आपको बताया मिक्स जो होता है जब आप मिक्सचर करते हो तो आप डिफरेंट रेशियोज को मिक्स कर रहे होते हो और वो डिफरेंट रेशियोज मिलके आपको एक पर्टिकुलर टाइप की कंक्रीट देते हैं उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है अगर हम पर्टिकुलर टाइप की कंक्रीट की बात करें और एक जनरल सा टेबल बना लें जिसमें हमें यह समझ में आएगा कि कौन सी कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ होती है जब उसमें कितना मिक्सचर हमारा कॉलम हो गया ये मिक्स बताएगा कंक्रीट कौन से टाइप का कंक्रीट है यहां पे एक कॉलम बना लेते हैं लेट्स राइट हियर लेट्स यहाँ पे हम रेशियो लिखेंगे जो हमारा रेशियो हम इन जनरल यूज करेंगे दिस विल बी रेशियो ऑफ सीमेंट इज टू फाइन इज टू द कोर्स एग्रीगेट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिक्स जो भी मैंने आपको ऊपर रिलेशन बताया है किसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड डिवीजन आपको जनरल कंसिडर करना है मिक्स में सबसे पहले हम यूज करेंगे M10 उसके बाद आ गया आपका M15 उसके बाद आ गया आपका M20 और उसके बाद आ गया M25 या उससे ज्यादा की वैल्यूज जब आप M10 के लिए यूज करते हो जो आप जो रेशियो लेके चलते हो दिस इज 1:2 This is 3:6. This is the value which you have to consider in this particular case. In case of M15, the ratio which you will consider is 1:2:4. This is 1:1.5:3. And this is 1:1:2. These are the ratio for different types of concrete. Now, if you want to write, ye yaad kar lena nominal mix ki ratios hai. So in general, hum केस में यूज करते हैं सिग्मा की बात करते हो तो M10 और M15 के लिए जो आप सिग्मा यूज करते हो दिस वैल्यू इज 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है M10 और M15 दोनों के लिए M20 और M25 के लिए जो आप यूज करते हो दिस वैल्यू इज
4 newton per mm square, and when you go greater than this M25, the value of standard deviation which you have to use is 6 newton per mm square. It means that if someone is asking you to calculate the value of target mean strength for M20 concrete, you'll say FM is equal to FCK plus 1.64 sigma. Now, you know the value of FCK in case of M20. This value is 20 plus 1.64 into sigma. For M20, you know that. For M20, 25, you have to use value 4. So, this will be the target mean strength, which is FM. And if someone is asking you what will be the standard deviation value when the FM value is this, for this particular type of concrete, then also you can calculate the unknown value considering this standard deviation. So these are the values which you have to remember for different types of concrete. हमने mixture की बात कर ली, हमने concrete की strength की बात कर ली, concrete की strength निकाल ली, characteristic strength हमें समझ में आ गई, हमने बात कर लिया concrete के अंदर जो हम use करने वाले हैं, material उसका क्या-क्या ratio होगा, वो भी हमने बात कर ली. अब concrete का जो behavior होता है, क्योंकि ultimately आपको उस पे load लगाना है, तो concrete का एक stress strain behavior होगा, उस general stress strain behavior की बात कर लेते हैं, normal जब आप बात करते हो concrete की, जब आप stress strain graph बनाते हो concrete के लिए, इन जनरल जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जाता है कंक्रीट का कुछ इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जाता है. यहां पे आपको पता है आप हमेशा स्ट्रेन लेके चलते हो और यहां पे आप हमेशा स्ट्रेस लेके चलते हो. तो कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कुछ इस तरीके से निकल के जा रहा होता है, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा होता है. कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने बनाया है, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमें एक वैल्यू मिलती है, जिस वैल्यू को मिलते हैं, जिस वैल्यू को बोलते हैं हम यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट. यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट की जब आप बात करते हो तो यहां पे यंग्स मॉडुलस का मतलब होता है द स्लोप ऑफ बेसिकली द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायरेक्टली द स्लोप व्हिच यू विल गेट दिस स्लोप इज नोन एज द यंग्स मॉडुलस फॉर दैट व्हिच इज द इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आल्सो. यंग्स मॉडुलस बोल लो या इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस बोल लो, ये स्लोप होता है इन जनरल. जब हम कंक्रीट के कोड है जो हमारा IS 456 का कोड है, जो हमारा दिस इज 2000 वर्जन, IS 456 जो हमारा कोड है जो हम कंक्रीट में यूज करते हैं 2000 वर्जन, ये कोड ये कहता है कि ये जो कंक्रीट होगा इसका जो यंग्स मॉडुलस होगा, जिस जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस भी होगा, दिस विल बी 5000 अंडर रूट ऑफ FCK. दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ व्हिच इज FCK एंड द वैल्यू व्हिच इज गिवन एज 5000 अंडर रूट FCK. दिस विल बी द यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंक्रीट. यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. E का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इट इज द रिस्पॉन्स विच इज बींग जनरेटेड इन साइड द बॉडी ऑफ द कॉन्क्रीट वेन यू विल ट्राई टू क्रिएट यूनिट स्ट्रेन. जब यूनिट स्ट्रेन डेवलप करने की कोशिश करोगे तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज नोन एज द यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट. यहां पे आप कॉम्प्रेशन की बात कर रहे हो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, तो हर चीज कॉम्प्रेशन में ही होगी. टेंशन नहीं लगाओगे या स्ट्रेन भी अगर जनरेट कराओगे तो आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, उसको खींचोगे तो वो टूट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेन नहीं आएगा. तो यहां पे वॉट एवर वी आर डीलिंग विद एवरीथिंग इज व्हाट दिस इज अंडर कंप्रेशन, बिकॉज द कंक्रीट इज ओनली अ ब्रिटल मटेरियल विच इज हैविंग द स्ट्रेंथ विच इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ओनली. फाइन, सिमिलरली यहां पे यंग्स मॉडुलस को हमने दो तरीके से और डिफाइन किया गया. अगर आपको याद हो कि अगर आप इलास्टिक लिमिट तक जाते हो, अगर आप इलास्टिक लिमिट तक बात करते हो तो आप इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस देखते हो, और उसके आगे अगर आप चले जाते हो देयर आर टू डिफरेंट मॉडुलस, वन इज सीकेंट मॉडुलस एंड अनदर इज टेंजेंट मॉडुलस. दो मॉडुलस होते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है पहले से ही, यहां पे उसकी बात फिर से मैं आपको बता देता हूं. इफ देयर इज वन पॉइंट व्हिच यू आर कंसीडरिंग, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट पी, और इस पॉइंट पे आपको सीकेंट मॉडुलस लिखना है, तो सीकेंट मॉडुलस का मतलब होता है ये यंग्स मॉडुलस के ज्यादा हो गई है, यहां पे ज्यादा नहीं हो गई एक्चुअली आगे हो गई, ऐसे मान लो यंग्स मॉडुलस जो आपने यहां लिखा है इससे आगे चली गई वैल्यू. इस वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करते हो, इस पॉइंट से, सो में भी हमने पढ़ा था, डायरेक्टली इस पॉइंट को कनेक्ट कर देते हो और ये जो आपको एंगल मिलेगा दिस एंगल से दैट दिस इज टेन अल्फा, तो ये जो टेन अल्फा मिलेगा दिस इज नोन एज सीकेंट मॉडुलस, दिस इज नोन एज सीकेंट मॉडुलस. और अगर मैं टेंजेंट मॉडुलस की बात करूंगा, जो थर्ड टाइप का मॉडुलस होता है, वो इसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींच के उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ले लेते हो तो दिस इज नोन एज फॉर एग्जांपल बीटा, दिस 10 बीटा इज नोन एज टेंजेंट मॉडुलस. टेंजेंट मॉडुलस तीनों टाइप के मॉडुलस निकल सकते हैं, जिसमें ये टेंजेंट और सीकेंट मॉडुलस जो है ये उस पॉइंट के लिए निकाला जाता है जो इलास्टिक लिमिट के आगे जा रहा होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे जा रहा होता है. यहां पे एक चीज क्लियर होती है कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस होगा या इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होगा ये सबसे ज्यादा वैल्यू रखेगा मैग्नीट्यूड में, उसके बाद सीकेंट मॉडुलस आएगा और सबसे लीस्ट वैल्यू होगी आपकी टेंजेंट मॉडुलस की. ये तीन टर्म्स होती हैं. फाइन, कंक्रीट के अंदर
कंक्रीट के अंदर जब भी आप डिफॉर्मेशन देखते हो तो एक डिफॉर्मेशन की हमेशा बात की जाती है जिसको बोलते हैं हम क्रीप, इसको हम बोलते हैं क्रीप। क्रीप एक ऐसी डिफॉर्मेशन होती है कंक्रीट के अंदर जो बेसिकली लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्रिएट करती है। ये एक लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होती है, ऐसे मान लो लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन, दिस इज नथिंग, दिस इज व्हाट अ लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन, इसको बोला जाता है क्रीप। क्रीप इज व्हाट? क्रीप इज बेसिकली अ कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन। एक बिल्डिंग खड़ी है वो 50 साल तक खड़ी है, अगर कोई बिल्डिंग 50 साल तक खड़ी हुई है तो वो अपने सेल्फ वेट की वजह से 50-60 साल बाद खुद ही टूटने लग जाएगी। इसका मतलब उसके अंदर कुछ लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन आने लग जाएंगे, कुछ लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन आने लग जाएंगे अपने खुद के डेड लोड की वजह से। तो ये जो लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होती है दिस इज ड्यू टू कॉन्स्टेंट लोडिंग कंडीशन, और यू कैन से दैट दिस इज ड्यू टू डेड लोड। ये डेड लोड्स की वजह से ये क्रिएट होता है जो आपका लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होते हैं, ये क्रीप बोला जाता है। यहाँ पे लाइव लोड की बात नहीं होगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म डिफॉर्मेशन की बात करोगे, अगर आप शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करोगे या शॉर्ट टर्म मॉडुलस निकालोगे, शॉर्ट टर्म मॉडुलस, तो उसको आप लिखोगे ईसी इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट ऑफ एफसी के। ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस हो गया, शॉर्ट टर्म की बात हो गई। बट अगर आप लॉन्ग टर्म मॉडुलस कैलकुलेट करोगे, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, मॉडुलस मतलब रिस्पॉन्स किसी भी बॉडी का, किसी भी स्ट्रक्चर का, अगर आप लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स या लॉन्ग टर्म मॉडुलस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस लॉन्ग टर्म मॉडुलस ई लॉन्ग टर्म विल बी डिनोटेड एज दिस इज 5000 अंडर रूट ऑफ एफ सी के डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, वेयर थीटा इज द क्रीप कोफिशियंट, थीटा इज द क्रीप कोफिशियंट। नाउ व्हाट इज दिस क्रीप कोफिशियंट? लॉन्ग टर्म की जब मैंने आपको बताया तो यहां क्रीप कोफिशियंट का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ द क्रीप स्ट्रेन, जो स्ट्रेन क्रीप की वजह से हुआ है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन जो मैक्सिमम क्रीप की वजह से स्ट्रेन आ सकता होगा, डिवाइडेड बाय द इलास्टिक स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय द इलास्टिक स्ट्रेन। दिस इज द रेशियो ऑफ क्रीप स्ट्रेन बाय द इलास्टिक स्ट्रेन, एंड द वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशियंट डिपेंड अपॉन द एज ऑफ कॉन्क्रीट, कितना पुराना कॉन्क्रीट है, इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ कॉन्क्रीट, एंड इट इज यू कैन से दैट फॉर डिफरेंट एजेस, एजेस हम डिफरेंट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 days लिख सकते हो आप, 28 days लिख सकते हो आप, और 1 year लिख सकते हो। अगर आप इन 3 ages की बात करते हो, और इसके लिए यू वॉन्ट द वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशियंट, अवर आई एस कोड सेज दैट फॉर 7 days द वैल्यू ऑफ थीटा इज 2.2, for 28 days it is 1.6, and for 1 year it is 1.1. this is the value of theta. So whenever you will be asked to calculate the long term modulus, then in that case you have to use 5000 fck upon 1 plus theta, ya fir aap ye bhi keh sakte ho this is ec upon 1 plus theta, where theta is the creep coefficient, which is the ratio of creep strain with the elastic strain. The value of creep strain is basically depending upon the age of concrete. This is the age of concrete, कितना पुराना concrete है। जैसे जैसे age बढ़ती चली जा रही है, ये creep coefficient जो है, ये value आपकी decrease होती चली जा रही है, ये धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अगर आप creep की बात करते हो, creep strain की बात करते हो, तो creep strain directly proportional होता है कुछ चीजों के। जब creep strain की value सीमेंट content जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे वैसे creep का strain बढ़ता चला जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते चले जाओगे, क्रीप का हमेशा स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप मिक्सचर बनाते हो तो मिक्सचर में वाटर और सीमेंट दोनों चीजें आ रही हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस कभी भी अलग अलग इनका अलग अलग इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं की जाती है। व्हेनेवर यू हैव टू फिक्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सीमेंट, यू ऑलवेज हैव टू फिक्स इट एज अ रेशियो ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। और ये जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कौन सी स्ट्रेंथ होती है? कंप्रेसिव। इसका मतलब जब भी आप वाटर या सीमेंट डालोगे तो आप रेशियो में डालोगे, इतना वाटर टू इतना सीमेंट, इतना सीमेंट टू इतना वाटर, क्योंकि ज्यादा वाटर हो गया तो कंक्रीट पतला हो जाएगा, और ज्यादा सीमेंट हो गया तो कंक्रीट गाढ़ा हो जाएगा। आपको एक नॉर्मल वर्केबल कंक्रीट चाहिए जिसको आराम से यूज किया जा सके। तो यू हैव टू फिक्स अ वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ, यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ये रेशियो अलग अलग होता है, 0.4 होता है, अलग अलग वैल्यूज दी जाती है, कोड में गिवन है। वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, और ये जो वैल्यू यहां मैंने लिखी है वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शन होता है, जो टर्म लिखी है, ये टर्म देने वाला एक बंदा था, इसको बोलते हैं अब्राहम्स लॉ।
अब्राहम्स लॉ। तो अब्राहम ने एक लॉ दिया था, उन्होंने बोला था, अब्राहम लिंकन नहीं है ये, अपने सिविल इंजीनियर अब्राहम है, इन्होंने कहा था कि वाटर सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो आगे बात करते हैं कि ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और यहाँ पे क्रीप स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी क्रीप का स्ट्रेन उतना बढ़ता चला जाएगा। क्रीप स्ट्रेन एयर एंट्रेनमेंट, मतलब एयर, कभी कभी क्या होता है हम लोग कंक्रीट के अंदर कुछ एयर भी अप्लाई देते हैं, मतलब क्या होता है कि हमें कुछ एयर डालनी पड़ती है, कुछ चीजें होती हैं, अलग अलग एंट्री एजेंट होते हैं जो हमने फिक्स करने होते हैं अंदर, तो वहां पे कभी कभी एयर का भी यूज करते हैं गैप बढ़ाने के लिए, तो क्रीप स्ट्रेन उसकी वजह से भी बढ़ जाता है। और टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। इट इज इंक्रीजिंग डायरेक्टली विद द टेम्परेचर ऑल्सो। नाउ हाउ इट इज डिक्रीजिंग, इट इज गोइंग इन इनवर्स विद टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज द एज ऑफ कंक्रीट, एज आई टोल्ड यू दैट in this particular case also this is decreasing with respect to age. The creep coefficient is the ratio of creep strain with the elastic strain. The creep strain will also, you know that it is going to decrease with the age of concrete, that's why this theta will also be decreasing. And same is the case with the presence of humidity, humidity ke sath bhi ye decrease karega. So these are the things which you have to remember for this particular case, that is concrete. यहाँ पे एक छोटी सी टर्म होती है श्रिंकेज। श्रिंकेज भी कंक्रीट के अंदर डिफाइन किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट इनसाइड द कंक्रीट। श्रिंकेज जो होता है कंक्रीट के अंदर, हमेशा श्रिंकेज की जब भी बात आती है, श्रिंकेज इज हैविंग अ नेचर विच इज कॉम्प्रेसिव। सिकुड़ना, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब दिस इज हैविंग कॉम्प्रेसिव नेचर, ये कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है। कंक्रीट के अंदर हमने जितनी चीजें समझनी है, स्ट्रेंथ समझ में आ गया है, कंक्रीट का मिक्सचर कैसे बनता है वो बेसिक समझ में आ गया है, कंक्रीट के अंदर क्या क्या वैल्यूज होती हैं, कैसे कैसी चीजें पे डिपेंड करती हैं, प्रॉपर्टीज भी हमें समझ में आ गई है। प्रॉपर्टीज पे हमने क्रीप पढ़ लिया है, श्रिंकेज का देख लिया, मैंने आपको बताया था सिकुड़ना मतलब कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, स्ट्रेंथ डिवीजन हमने देख लिया है। अब इस कंक्रीट को जब आप डिजाइन करते हो तो एक चीज हमें पता लग गई कि कंक्रीट कंप्रेशन में तो बहुत ताकत रखती है, बहुत स्ट्रेंथ है इसके पास कंप्रेशन में, लेकिन इसके पास टेंशन में स्ट्रेंथ नहीं है। इसका मतलब इसमें कभी भी इसको ऐसी जगह लगाओगे, जो कंक्रीट अभी हमने बनाया है, बेसिक बनाया है, इस कंक्रीट को जहां भी लगाओगे वहां पे टेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट टेंशन नहीं ले सकता। बट अगर बाय चांस कहीं पे ऐसी जगह है जहां पे टेंशन आना जरूरी है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये कंक्रीट उस टेंशन को हैंडल नहीं कर पाएगा। कंक्रीट एक ऐसा इंसान है जिसको टेंशन नहीं, कॉम्प्रेशन करने में मजा आता है, कॉम्प्रेशन झेल सकता है। इसका मतलब जब कहीं ऐसी जगह आएगी जहां पे टेंशन आने लग जाएगा, तो वहां पे कंक्रीट को अपने दोस्त को बुलाना पड़ेगा, और उसका दोस्त है वो इंसान जो टेंशन झेल सकता है। यहां पे उसका दोस्त की एंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं स्टील। तो यहां पे कंक्रीट के दोस्त की बात करते हैं जो है हमारा स्टील। स्टील की ऑब्वियस ही बात करोगे तो स्टील इज अ डक्टाइल मेटल, यू नो दैट, एंड स्टील कैन बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट टाइप्स। स्टील डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ आयरन, इट बेसिकली कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। इन जनरल यू कैन से दैट द स्टील इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज द माइल्ड स्टील, एंड सेकेंड इज यू कैन से दैट एच वाई एस डी स्टील, और यू कैन ऑल्सो से दैट टॉर, दिस इज टॉर भी बोलते हैं इसको, एक और तरीके से यूज किया जाता है, ये भी एच वाई एस डी का ही फॉर्म है, दिस इज टी एम टी, टी एम टी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, ये भी आप यूज करते हो, इसको भी हम स्टील ही बोला जाता है। ये सारी स्टील होती है। जब स्टील की बात करोगे तो स्टील को यूज कहां पे किया जाएगा, कॉन्क्रीट के अंदर, तो जो रिइंफोर्समेंट नाम की चीज है, ये रिइंफोर्समेंट एक्चुअली स्टील को ही बोला जाता है। इसकी जरूरत कब पड़ी, कब टेंशन आया कॉन्क्रीट में, कब टेंशन आया, सोम में वापिस चले जाओ 10 मिनट के लिए। एक हमने बीम बनाया था सोम के अंदर, इस बीम में मान लो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को जिस तरीके से डेवलप हो रहा था एक्सटर्नली, याद होगा आपको, ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इसको मोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है, इसको कुछ इस तरीके का रूप देने की कोशिश कर रहा है। दिस इज ट्राइंग टू बेंड द बीम, डिफ्लेक्ट द बीम लाइक दैट। इट मीन्स दैट व्हेन दिस इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट द बीम, देन इन दैट पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस। यू नो दैट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दब रहा है और ये खिंच रहा है, बहुत बढ़िया करके हमने समझाया था इस चीज को, और आपने समझा था इस चीज को सोम के अंदर।
इसका मतलब एक एक्सिस है जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, रोटेशन हो रहा है, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं। ये क्रॉस सेक्शन था, ये न्यूट्रल एक्सिस थी, इस क्रॉस सेक्शन को उठा के यहां पे लेके आए थे, ये न्यूट्रल एक्सिस जो आप लेके आ रहे थे, ये न्यूट्रल एक्सिस आपकी ये वाली एक्सिस थी। क्यों? क्योंकि आप जिसके अबाउट रोटेशन देख रहे हो, जिसके अबाउट बेंडिंग देख रहे हो, वो आपकी तरफ निकल के आ रही है एक्सिस, ऐसी एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस जो आपकी तरफ निकल के आ रही है ये क्रॉस सेक्शन के इस तरीके से आ रही होगी। इसका मतलब तो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से बनाओगे तो ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे टेंशन आ जाएगा। ये हम समझ चुके हैं बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पे दोबारा उस चीज को नहीं समझना है, यहाँ पे समझना ये है कि ये मेरी कॉन्क्रीट की बीम होती प्लेन, तो यहां पर कॉम्प्रेशन आता ये झेल जाता, यहां पर टेंशन आता ये नहीं झेल पाता और ये इस जगह से टूट जाता, यहां से ये इसके अंदर क्रैक आते हैं और यहां से ये ताड़ करके अलग हो जाता। ताड़ करके अलग क्यों हो जाता? क्योंकि ये ब्रिटल है और ब्रिटल में सडन फेलियर होता है, एकदम से टाइम नहीं मिलता, तुरंत गिर जाता। बीम के ऊपर रखा होता है स्लैब, स्लैब होता है ना ऊपर, छत छत बीम कॉलम फुटिंग सिस्टम होता है, सुपर स्ट्रक्चर नीचे सब स्ट्रक्चर, तो सुपर से सब पे लोड जाता है, स्लैब बीम उठा के कॉलम पे लोड, कॉलम उठा के फुटिंग पे लोड देता है, फुटिंग आपके नीचे जमीन पे लोड देता है, सॉइल पे ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजें जब पढ़ते हो तो वो क्या कहते हैं उसे, सिविल इंजीनियरिंग। समझ में आ गया होगा। आ जाओ, नीचे टेंशन आ रहा है, नीचे टेंशन झेल नहीं सकता ये, तो नीचे इसने कहा कि ऐसा है मेरा एक दोस्त है जो टेंशन झेल सकता है, वो मेरे सपोर्ट के लिए आएगा। इसलिए आप जब भी रीइंफोर्समेंट दोगे कॉन्क्रीट के अंदर, आप क्रॉस सेक्शन में रीइंफोर्समेंट ऐसे दिखाओगे। क्यों ऐसे दिखाओगे? क्योंकि आपने टेंशन को रोकने के लिए रीइंफोर्समेंट कुछ ऐसे दिया होगा और यहां पे ये क्रॉस सेक्शन में आपको इस तरीके से रेइनफोर्समेंट दिखेगा, वही उठा के मैंने यहां पे बनाया हुआ है कि ऐसे करके सरिया लगी हुई है, एक दो तीन, वो एक दो तीन जब क्रॉस सेक्शन में देखा तो यहां पे एक दो तीन क्रॉस सेक्शन में सरिया दिख गई। और रेइनफोर्समेंट हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम में जिसमें इस तरीके से सैगिंग आ रही है, जहां टेंशन आ रहा होता है वहां देना होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट दिस बीम इज अ कैंटिलीवर बीम, लेट्स से दैट फॉर से इफ इट इज अ कैंटिलीवर बीम, अगर ये कैंटिलीवर बीम होता, सीधा मैं आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊंगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस बीम इज अ कैंटिलीवर बीम और ये यहां से फिक्स है और यहां पे एक लोड लग रहा है। नाउ दिस बीम विल ट्राई टू डिफ्लेक्ट लाइक दिस, इसका मतलब यहां ऊपर टेंशन आएगी और नीचे कंप्रेशन आएगा। तो इसमें जब आप रीइंफोर्समेंट दोगे, इसमें रीइंफोर्समेंट आप कुछ ऊपर दोगे इस तरीके से, तो आपको ये जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा इस बीम का, जो आपका कैंटिलीवर बीम होगा, इसमें आपने रीइंफोर्समेंट जो दिया होगा ये ऊपर दिया होगा क्योंकि ऊपर टेंशन आ रहा है। और ऊपर जब आप रीइंफोर्समेंट या नीचे कहीं भी रीइंफोर्समेंट देते हो, रीइंफोर्समेंट का पर्पस होता है टू हैंडल द टेंशन। नाउ इन कॉन्क्रीट व्हेनेवर यू एनालाइज द स्ट्रक्चर देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू डियर, वन इज द एनालिसिस, अनदर इज द डिजाइन। एनालिसिस मींस एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू जज द एडिक्वेसी। ये चैनल या एंगल जो आपको दिया हुआ है, या बेसिकली एंगल चैनल बोल दिया मैंने, आपको जो बीम दी हुई है, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो स्ट्रक्चर झेलने लायक है लोड या नहीं है जितना उस पर आ रहा है, उसे चेक करना, छेड़खानी नहीं करनी उसकी डायमेंशन के साथ। डिजाइन का मतलब होता है आपको लोड देंगे, आपको कहेंगे इस लोड के लिए बीम डिजाइन कर दो, डायमेंशन सब कुछ निकालना है, कितना सरिया लग रहा है वो भी निकालना है, एनालिसिस में सब दिया होगा, बस कैलकुलेट करके चेक करना है कि सही दिया है कि गलत दिया है, बस इतनी सी बात है। फाइन, स्टील टेंशन वाले रीजन में लगेगा हमेशा, इसी समय समझ में आ गई है, क्योंकि कॉन्क्रीट टेंशन झेल नहीं सकती। इसलिए कॉन्क्रीट के अंदर हम जब भी पूरा पढ़ेंगे हम हमेशा एक असम्पशन लेके चलेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे या फिर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर आप बात कर रहे हो, टेंशन आ रही है 100%, और जो टेंशन आ रही है वो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ स्टील झेलेगी। कॉन्क्रीट जो भी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होगी किसी काम की नहीं होगी, यूजलेस होगी, ऐसा हम मान के चलेंगे। अजम्पशन में यूजलेस वर्ड नहीं लिखा है, मेरा अपना पर्सनल वर्ड है, पर जब किसी चीज को यूज ही नहीं कर रहे तो वो यूजलेस हो जाती है। अजम्पशन ये कहता है कि ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस विल बी बियर इंडिविजुअली बाय द स्टील ओनली, कॉन्क्रीट इज ऑफ नो यूज विच इज प्रेजेंट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, इज जस्ट इंक्रीजिंग द वेट, दैट्स इट, कुछ काम नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना आपको, चीज को दिमाग में फिट कर लेना, दिस इज द अजम्पशन। फाइन, एक चीज यहां पे क्लियर हो गई है। अब जब स्टील आप लगा रहे हो और स्टील से टेंशन हैंडल करा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है स्टील की स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, स्टील की स्ट्रेंथ की बात की जाएगी। अगर आप स्टील की स्ट्रेंथ की बात करते हो तो इस स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाता है FY से, FY yield strength of concrete, ये FY से डिनोट किया जाता है इसको। और जब आप बात करते हो माइल्ड स्टील की तो माइल्ड स्टील के लिए ये FY आता है
दिस इज 215 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये माइल्ड स्टील के लिए निकल के आता है। और जब आप एच वाई एस डी की बात करते हो तो एच वाई एस डी में देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, वन इज 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, उसके लिए एफ वाई होता है, और दूसरे के लिए होता है 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये इनकी स्ट्रेंथ होती है किसमें, ऑब्वियस सी बात है स्टील से टेंशन कराओगे तो स्टील की स्ट्रेंथ टेंशन में ही आएगी। जब आप स्टील के लिए चेक करते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उसको टेंशन देना पड़ेगा, तभी उसको चेक कर पाओगे। टेंशन देना पड़ेगा स्टील को तो माइल्ड स्टील के लिए जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हो अंडर टेंशन, जब आप माइल्ड स्टील के लिए बनाते हो, और मैं आपसे कहूं कि एक आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं, तो लेट्स से दैट कि दिस इज समवॉट अवर आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल बी लाइक कुछ ऐसा ही आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, ऐसे करके आता है यहां तक, उसके बाद ये हल्का सा ऐसे घूमता है, और उसके बाद यहां से ये फिर से सीधा सीधा ऐसे ही निकल जाता है। दिस इज द आइडलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील, वेयर दिस वैल्यू इज डिनोटिंग योर एफ वाई फॉर माइल्ड स्टील विच इज 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई एंड इन दिस एक्सिस व्हाट यू आर यूजिंग स्ट्रेन, एंड इन दिस एक्सिस व्हाट यू आर यूजिंग स्ट्रेस। एफ वाई इज स्ट्रेस एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन विच इज जनरली प्रूफ स्ट्रेन विच यू नो दैट which is 0.2% value, which is having 0.2% value, which is the offset of strain. This is 0.2% offset. At this particular point, you will get this value of yield strength, which will continue. और इसके बाद ये strain deformation continuous हो जाता है, और ये continuous deformation इसी constant stress के under develop होता रहता है. This is idealized stress strain curve for mild steel. Idealized बोलते हैं इसको, सीधा और सीधा. फाइन, इसके बाद यहां पे जो आपने डिफाइन किया स्ट्रेंथ, तो वो टेंशन के केस में डिफाइन किया, और एफ वाई की फॉर्म में आपने इसको डिफाइन कर दिया है। क्लियर, यहां पे मैंने आपको बताया था एच वाई एस डी स्टील और ये आपका माइल्ड स्टील, ये क्या होता है। देखो जब आप बात करते हो एच वाई एस डी में, तो एच वाई एस डी के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है हमारा टीएमटी, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार के साथ खास बात क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम टीएमटी सरिया ही यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो इनर कोर होता है, जो इनर पोर्शन होता है, इनर कोर वो सॉफ्ट होता है, और जो आउटर पोर्शन होता है इसका वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा डक्टिलिटी आ जाती है। कैसे करते हैं ये, एक्चुअली में क्या करते हो, आप स्टील को हीट करते चले जाते हो, गर्म करते चले जाते हो, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। जब वो सॉफ्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, उसके बाद आप क्या करते हो, टीएमटी बार को ठंडा करते हो। ठंडा करने में क्या करते हो, आप सीधा वाटर क्वेंचिंग का यूज करते हो, वाटर यूज करते हो, पानी डाल देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो ठंडा हो जाता है और एकदम से हार्ड हो जाता है, लेकिन अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो सॉफ्ट रह जाता है। तो स्टील के अंदर एक डक्टिलिटी वाली चीज आ जाती है, एक्स्ट्रा डक्टिलिटी आ जाती है टीएमटी के अंदर, तो वो वाटर क्विंचिंग के थ्रू आप ठंडा करते हो। सिमिलरली आपके एक और बार होती है एच वाई एस डी या टॉर बार बोलते हैं, टॉर, इस टॉर में कोल्ड ट्विस्टेड, इसको कोल्ड ट्विस्टेड बोलते हैं। कोल्ड ट्विस्टेड का मतलब आप क्या करते हो, यहां पे जब इसे गर्म कर लेते हो, गर्म दोनों का करना है, गर्म करने के बाद आप क्या करते हो, इसको घुमाते हो ठंडा करते करते, और इसको घुमाते चले जाते हो। जैसे आपने सरिया देखी होगी वो घूमी हुई होती है। इनके साथ खास बात क्या होती है, इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, बट ये रोड और ब्रिजेस वगैरह में यूज करते हैं जहां ज्यादा एक्स्ट्रा कंटिन्यूस लोड नहीं है, बिल्डिंग के अंदर नहीं यूज किया जाएगा, या बड़े स्ट्रक्चर्स में यूज आप टीएमटी का ही करते हो, इसका रोड बे ब्रिजेस में यहां पे आप टॉर का यूज कर सकते हो। ठीक, दिस इज कोल्ड ट्विस्टेड बार होती है, कोल्ड ठंडा करते टाइम ट्विस्ट करते हो, वहां सीधा वाटर क्वेंचिंग का यूज करते हो, यहां इसको ट्विस्ट करके आप ठंडा करते हो। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स विच आर यूज्ड एज यू कैन से दैट रिइंफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट। एक चीज समझ में आ गई है, स्टील यूज करना है कॉन्क्रीट के अंदर, स्टील की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक वैल्यू है स्टील के अंदर, स्टील की अपनी खुद की वैल्यू है, एक स्ट्रेंथ है स्टील की, और कॉन्क्रीट की भी अपनी स्ट्रेंथ थी। एक चीज हमें क्लियर पता है, जब हम बात करते हैं, अगर आप कॉन्क्रीट में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कॉन्क्रीट में, अगर आप बात करते हो तो कॉन्क्रीट के अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की तो बात हो रही है, कॉम्प्रेशन तो आ रहा है, कॉम्प्रेशन कैन बी ऑन टू डिफरेंट टाइप्स। कॉन्क्रीट में दो तरीके से कॉम्प्रेशन आ सकता है, द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्रेशन विल बी डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन मतलब तो सीधा सीधा कंप्रेशन जो आता है, जैसे कॉलम में डायरेक्ट कंप्रेशन आ रहा है, सीधा कंप्रेशन, ओनली कंप्रेशन। द सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्रेशन इज बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग कॉम्प्रेशन।
जो डायरेक्ट कंप्रेशन आएगा उसको हम फॉर एग्जाम्पल से दैट वी विल रिप्रेजेंट बाय सिग्मा डी और बेंडिंग को सिग्मा सीबीसी करके रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब यह है कि बीम में देर कैन बी द केस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन और देर कैन बी द केस ऑफ बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ऑल्सो बिकॉज द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट. जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से आ रही है. सिमिलरली देर कैन ऑल्सो बी द केस जो कॉन्क्रीट में डायरेक्ट टेंशन आ जाए. डायरेक्ट टेंशन भी आ सकता है कॉन्क्रीट में. क्या कॉन्क्रीट में बेंडिंग टेंशन आ सकता है? नहीं आ सकता. बिकॉज अगर जहां पे बेंडिंग की वजह से टेंशन आ रहा है वहां पे आपने क्या कर दिया? आपने तो स्टील दे दिया. इट मींस दैट डायरेक्ट टेंशन वहां पे आ सकता है. जो डायरेक्ट टेंशन की जो स्ट्रेसेस होती है कॉन्क्रीट के अंदर वो हमारा IS 456 जो कोड है वो 2000 वर्जन में ये बोलता है कि दिस विल बी इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK. तो अगर डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेस आपसे कभी पूछी जाएगी FCK आपको दिया हुआ है. FCK का मतलब आप जानते हो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. उस केस में दिस विल बी इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK डायरेक्ट टेंशन. अब बात करते हैं बेंडिंग कंप्रेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन की वैल्यूज की. तो हमारा जो कोड है उस कोड ने ये वैल्यूज हमें स्पेसिफाई की हुई है और ये बताया हुआ है कि ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट. यू हैव डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट. यहाँ पे मैं एक ग्रेड और लिख देता हूँ. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है. Let's say that we will also consider M15 into picture. So let's say that this mix is M15. M15 के लिए अगर आप डायरेक्ट टेंशन निकालोगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 0.7 अंडर रूट ऑफ 15. ये आपको मिल जाएगी वैल्यू. बेंडिंग कंप्रेशन की अगर आप बात करते हो तो M15 के लिए बेंडिंग कंप्रेशन की वैल्यू आती है 5 न्यूटन पर MM2. दिस इज सिग्मा सीबीसी. सीबीसी मतलब बेंडिंग कंप्रेशन 5. और अगर आप M15 के लिए डायरेक्ट कंप्रेशन की वैल्यू करते हो तो ये आता है आपका 4 न्यूटन पर MM2. सिमिलरली M20 के लिए जाते हो तो डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेट करोगे 2.8 आएगा. बेंडिंग कंप्रेशन 7 और अगर आप डायरेक्ट कंप्रेशन 5, ये 8.5, ये 10, ये 6, ये 8. इस तरीके से ये वैल्यूज निकल के आती है. ये सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है जो बेंडिंग में मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो सकता है कॉन्क्रीट के अंदर. ये डायरेक्ट जब डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप हो सकता है मैक्सिमम कॉन्क्रीट के अंदर सिग्मा सीसी ये डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू जो कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमारा स्पेसिफाई है. टेंशन 0.700 एफसी के ज्यादा ये हैंडल नहीं कर सकता है कॉन्क्रीट. सिमिलरली अगर आप परमिसेबल स्ट्रेसेस की बात करोगे, परमिसेबल स्ट्रेसेस की ही बात हो रही है यहाँ पे. परमिसेबल स्ट्रेसेस की बात करोगे अगर आप स्टील के केस में, स्टील के केस में अगर आप बात करोगे तो अगर आप माइल्ड स्टील की बात करते हो, Fe 250 की बात करते हो, Fe 250 में अगर आप टेंशन की बात करते हो, माइल्ड स्टील में अगर आप टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात करते हो तो टेंसाइल स्ट्रेसेस के केस में अगर आप लेके चलते हो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस तो ये 140 तक जाएगा इफ द डायमीटर इज अप टू 20 mm. अगर 20 के ऊपर चला जाता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द टेंसाइल स्ट्रेसेस विल बी 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये हम बात कर रहे हैं किसकी? माइल्ड स्टील के. माइल्ड स्टील के केस में अगर आपका 20 mm का डायमीटर है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो जाएंगी आपकी माइल्ड स्टील के केस में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी 140 तक जाएंगी. और अगर ये 20 के ऊपर जा रहा है तो 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा. और कंप्रेशन की बात करोगे स्टील में अगर कंप्रेशन आ रहा है तो 130 आएगा अगर माइल्ड स्टील की बात करते हो. अगर आप HYSD स्टील की बात करते हो जो मैंने भी आपको समझाया था, HYSD में Fe 415 के लिए जो परमिसेबल आपका स्ट्रेस होगा वो 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा चाहे कोई भी डायमीटर हो यही होगा. और अगर आप डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की बात करोगे किस केस में, स्टील के केस में, तो आपको 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहना पड़ेगा जो हम कॉलम के केस में यूज करेंगे. ये कंप्रेशन में, ये हमारा बेंडिंग वाला केस है. समझ में आ रहा होगा. अगर डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करोगे कॉलम वगैरह में तो वहां 190 लोगे. माइल्ड स्टील के लिए 130, अदरवाइज 230 या फिर 140 और 130 डिपेंडिंग अपॉन द बार डाया 20 तक 140 अदरवाइज 130. तो ये कुछ कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस होगी जो कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम लोग कंक्रीट और स्टील में कंसिडर करते हैं. अब जब हम डिजाइन करते हैं इन सारी वैल्यूज तो परमिसेबल वैल्यूज हो गई, परमिसेबल स्ट्रेसेस हो गए. जब भी हम डिजाइन करते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर द डिजाइन वी हैव डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट डिजाइन फिलॉसफीज. डिजाइन फिलॉसफीज की अगर आप बात करोगे या डिजाइन मेथड्स की तो वी हैव 3 different methods विच वी हैव टू स्टडी. द फर्स्ट मेथड इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड. दिस इज WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड. ये है WSM. दूसरा है आपका अल्टीमेट लोड मेथड. दिस इज अल्टीमेट लोड मेथड. और तीसरा है आपका द थर्ड मेथड इज लिमिट स्टेट मेथड. ये तीनों मेथड हैं जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं. एक मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है. दूसरा मेथड अल्टीमेट लोड मेथड है, ये लोड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को नहीं करता. तीसरा लिमिट स्टेट मेथड है, ये दोनों को कंट्रोल करता है. तो अब
हम समझ लेते हैं इन तीनों मेथड्स पे क्या क्या चीजें हैं, जिसमें से अल्टीमेट लोड मेथड आपके डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए पिक्चर में आया था, उसके बाद इसका यूज बंद हो गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका LSM और WSM. These are the methods which we have to study. Let's continue about design philosophies जो हम पढ़ने वाले थे. मैंने आपको बताया था there are three design philosophies. One is WSM, working stress method. Another is ultimate load method. And the third one is the limit state method, which is the currently used method for this particular design. बाकी सब पुराने हो चुके हैं. Ultimate load ज़्यादा चला भी नहीं था. सबसे पहले working stress method की बात करते हैं. Working stress method जो है, ये method based है service load पे. Service load मतलब जो load actual में आ रहा है, उसी load पे base करके ये particular method fix किया गया है. मतलब जितना load आ रहा होगा, उसी load के लिए design कर दिया जाएगा. यहाँ पे कोई भी factor of safety load के लिए नहीं यूज किया गया है. नो एफ ओ एस फॉर दिस पर्टिकुलर लोड. लोड के लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM के लिए यूज नहीं किया गया था. ये सर्विस लोडिंग कंडीशन मतलब वर्किंग लोड पे डिजाइन किया जा रहा था. जितना लोड आ रहा है, उतने लोड के लिए आप उस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दोगे. 10 किलो आ रहा है, 10 किलो के लिए डिजाइन कर दो, उतने ही फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए उसकी एबिलिटी बना दो. ऐसा ही वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहता है, उसी लोड के लिए डिजाइन कर दो. वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये कहता है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास कोई बीम है, इस बीम के ऊपर कोई मोमेंट आ रहा है, कोई लोड आ रहा है, और उस बीम में आपने ये रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है. ये मैंने रिइंफोर्समेंट 3 बार्स बनाए हैं, जो ये 3 बार्स आपके टेंसाइल रीजन में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लग रहे हैं. आपको यहां दिख रहा होगा ये 3 है, 1 2 3 यहां मैंने बना दिया है. WSM मेथड ये कहता है कि जो आपका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, दैट स्ट्रेस डायग्राम विल बी लीनियर. लीनियर मींस स्ट्रेस डायग्राम न्यूट्रल एक्सिस में, क्योंकि आप जानते हो जीरो स्ट्रेस होता है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जीरो वैल्यू होगी उसकी, और इस तरीके से कुछ लीनियर स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा, जहां पे टॉप वाले पोर्शन पे कंप्रेसिव मैक्सिमम होगा और बॉटम वाले पोर्शन पे टेंसाइल मैक्सिमम होगा. ये स्ट्रेस डायग्राम है. यहां पे मैं बेंडिंग की बात कर रहा हूं, तो ये सिग्मा सीबीसी मैक्स होगा, जितना कंप्रेसिव ऊपर आ सकता होगा, और यहां पे सिग्मा एसटी होगा. ये स्ट्रेस की बात हो रही है. एक चीज यहां पे ध्यान रखना, WSM मेथड जो है ये लोड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की स्ट्रेसेस पे. मतलब WSM ने स्ट्रेस पे FOS बता दिया है, और WSM ने ये बोला कि जब आप स्ट्रेसेस पे FOS लगाओगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओगे स्ट्रेस पे, तो वो आप जब आप कंक्रीट के लिए लगाओगे तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन एन एवरेज आप 3 लेके चलोगे स्ट्रेस पे, और अगर आप स्टील के लिए लगाओगे तो ऑन एन एवरेज जो आप स्ट्रेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलोगे ये 1.8 लेके चलोगे. बट देयर इज नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द लोड. लोड जितना आएगा उसके लिए ही डिजाइन किया जाएगा. स्ट्रेसेस पे इसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया, और जो स्ट्रेस वेरिएशन बताया वो इसने बताया द स्ट्रेस वेरिएशन विल बी लीनियर. सीधा सीधा स्ट्रेस वेरिएशन होगा. और इसने ये भी बोला कि कॉन्क्रीट और स्टील, because the concrete and steel, they will behave and act together, they will be together and they will give the response elastically together only. इलास्टिक अप्रोच होगी, ये साथ में बढ़ेंगे साथ में घटेंगे, जो भी कुछ होगा लीनियर बिहेवियर होगा, एकदम लीनियर जाएगा. ऊपर मैक्सिमम कंप्रेशन, नीचे मैक्सिमम टेंशन, स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी, लीनियर बिहेवियर इसने बताया. इलास्टिक मेथड है, इसलिए इसको इलास्टिक बोला जाता है. सर्विस लोडिंग कंडीशन पे बात की थी, एक्चुअल लोड पे बात की थी, कोई लोड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाया था. स्ट्रेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था, मतलब स्टील पे जो फाइनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो सिग्मा एसटी हो रहा है, और ये सिग्मा सीबीसी मैक्स हो रहा है. अल्टीमेट नहीं हो रहा है, आप जानते हो स्टील का फेल होगा जब FY तक पहुंच जाएगा, ठीक है. कंक्रीट का फेल होगा जब FCK तक पहुंच जाएगा, ये वहां तक नहीं पहुंचा रहा है, पहले ही रोक देखना है, ये यील्ड पे ही रोक दे रहा है, ऐसे मान लो यील्ड करने पे ही रोक दे रहा है. तो इसलिए ये परमिसेबल स्ट्रेसेस की बात कर रहा है. ये परमिसेबल स्ट्रेसेस होंगे, जो मैंने आपको अभी टेबल बनवाया था परमिसेबल बेंडिंग स्ट्रेसेस का, ये वो वैल्यू होगी. ये स्टील की होगी 230 अगर लेके चलोगे Fe415, और वो आप 4, 5, 6 जो मैंने आपको बताया था 5, 7 जो मैंने आपको बताया था ना 5, 7, 8.5 और 10, ये वो वाली वैल्यूज होंगी 5, 7, 8.5 और 10 वाली, क्योंकि ये बेंडिंग के केस की बात कर रहे हो. डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. डायरेक्ट कंप्रेशन कब आएगा? जब डायरेक्ट कंप्रेशन वाला स्ट्रक्चर एलिमेंट पढ़ोगे. डायरेक्ट कंप्रेशन कब आएगा? जब आप कॉलम पढ़ोगे. अभी आप बीम पढ़ रहे हो. बीम में क्या आता है? बेंडिंग आता है. बीम में क्या आता है? शीयर आता है. तो हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक. तो यहां पे ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया. जब आप स्ट्रेन डायग्राम की बात करोगे तो स्ट्रेन डायग्राम विल ऑलवेज बी लीनियर. वो हमेशा ये सीधी लाइन है,
वो हमेशा लीनियर ही होता है, जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम होता है ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम जब भी कोई भी एनालिसिस करते हैं वी ऑलवेज कंसीडर द वेरी फर्स्ट असम्पशन दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, द स्ट्रेन डायग्राम विल ऑलवेज बी लीनियर। ये हम हमेशा अपने हिसाब से मान के चलते हैं कि स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा, क्यों, क्योंकि हम एक असम्पशन मान के चलते हैं कि द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, वो हम मान के चलते हैं, इसलिए स्ट्रेन डायग्राम विल ऑलवेज बी लीनियर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर असम्पशन ओनली दैट द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। फाइन, तो ये कुछ WSM की बात थी, सर्विस लोडिंग कंडीशन पे बात की गई थी। अगर आप WSM के बेसिक से assumptions की बात करते हो, जो assumption पे रख के WSM में बात की गई थी, तो पहला assumption हमेशा प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, स्ट्रेन डायग्राम विल बी लीनियर ऑलवेज, इसका मतलब होता है स्ट्रेन डायग्राम विल बी लीनियर, बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कॉन्क्रीट इज परफेक्ट Within the elastic limit of the steel, elastic limit के बीच में perfect bonding होगी और साथ में दोनों बढ़ते चले जाएंगे elastic limit तक पहुंचते जब वो final value आ जाएगी तब तक उनकी permissible stresses attain कर जाएंगी, उसके आगे allow नहीं किया गया है। The steel and concrete behave as a linear elastic material, linear जाएगा elastic material होगा क्योंकि elastic approach तक पहुंचेगा। उसके बाद all tensile stresses are taken by the reinforcement and none by the concrete, मैंने आपको बताया था ये assumption हमेशा आपको मिलेगा, जितनी भी tensile stresses है वो सिर्फ और सिर्फ steel लेगा, concrete कुछ नहीं लेगा उसमें से। The stresses in the steel and concrete are related by a factor known as मॉडुलर रेशियो, हमेशा जो स्टील एंड कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेसेस होंगी वो एक फैक्टर के थ्रू डिफाइन की जाएंगी जिसको हम बोलते हैं मॉडुलर रेशियो, ये होगा आपका स्मॉल m, और WSM के अंदर इसकी वैल्यू डिफाइन की गई है कि m विल बी इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा CBC। तो ये मॉडल रेशियो जो होगा दिस वैल्यू विल बी वैलिड इन द केस ऑफ WSM ओनली विच इज m इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC एज पर IS 456 2000। और एक और लास्ट जो हम लेकर चल रहे हो, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज अ स्ट्रेट लाइन अंडर वर्किंग लोड, वर्किंग लोड की बात की गई है, लोड पे कोई फैक्टर नहीं लगा है, कोई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लोड पे नहीं लगाया गया, ये यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड था WSM। अब WSM कोई इतना अच्छा मेथड नहीं था, निकलता था बड़े साइज का जो बीम निकल के आएगा वो हर जगह फिट नहीं हो सकता और लोड कभी कभी जगह कम होती है, उस केस में आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो कुछ यहाँ पे इसके लिमिटेशन आ गए जो WSM में लिमिटेशन सामने निकल के आए। वो पहला लिमिटेशन ये था कि द अजम्पशंस ऑफ लीनियर इलास्टिक बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेसेस, की स्ट्रेसेस कंट्रोल में रहेंगे, परमिसिबल लिमिट में रहेंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत सारे सेकेंडरी इफेक्ट्स भी वहां पे आ जाते थे, जो क्रीप है, जो श्रिंकेज है, इनके इफेक्ट को इसमें कंसीडर नहीं किया गया था। ये पहला आपको आप कह सकते हो लिमिटेशन मिल सकता है। इसके बाद लोडिंग की अगर आप बात करोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड लग सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, और यहाँ पे कोई भी इस चीज को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया, एक पर्टिकुलर लोड की बात की है और उसी पे इन्होंने डिजाइन कर दिया है सर्विस लोड। बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोड लगते हैं, उसकी कोई यहाँ पार्शियल लोड फैक्टर या कुछ नहीं दिया गया उसके बारे में। फिर वही चीज है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसी कोई चीज यहाँ पे कंसिडर नहीं गई गई है, जो कि आपको आने वाले मेथड्स में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लोड पे मिलेगा। जो भी सेफ्टी फैक्टर की बात की वो स्ट्रेस पे, यहाँ इन्होंने कंट्रोल लगाने के लिए स्ट्रेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया है बट लोड पे कोई भी नहीं लगाया है। इसी का एक इंप्रूवमेंट मेथड आया जिसको बोलते हैं हम अपना अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड की अगर आप बात करोगे तो अल्टीमेट लोड मेथड ने लोड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, इन्होंने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने ये कहा कि भाई जो भी लोड आ रहा है आपका, जो भी सर्विस लोड आ रहा है, जिस लोड पे वर्क कर रहे हो, जो एक्चुअल लोड है, इसको एक सर्टेन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और आप फाइनल अल्टीमेट लोड निकाल लो जिसपे वो स्ट्रक्चर फेल होगा, सुटेबल फैक्टर्स निकाल के सर्विस लोड को मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू आएगी वो अल्टीमेट लोड आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्टीमेट लोड अपॉन सर्विस लोड करके एक फाइनल, एक अल्टीमेट लोड फैक्टर निकाल लिया और उसको लेके डिजाइन कर दिया। दूसरा चीज इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला स्ट्रेस पे कुछ नहीं लगाया, इन्होंने कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाया, लोड पे लगा दिया। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है वो लीनियर नहीं होगा, जैसे WSM में वो लीनियर नहीं हो सकता, वो चेंज होगा, वो कर्वेचर में आएगा, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा उसको लेकर इन्होंने डिजाइन किया, जो मैं अभी इससे पहले आपको बता चुका हूं लीनियर नहीं था वो, तो यहां पे इन्होंने उसको लेके बात की। बट ये मेथड भी फेल हो गया क्योंकि ये उतना अच्छा एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं थी। तो अगर इस मेथड की बात करोगे, एडवांटेज की बात करोगे, तो दिस मेथड इज एक्चुअली मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट द नॉन लीनियर बिहेवियर। मैं ये लिख के क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं छोटी छोटी चीजें, तो यहां स्टेटमेंट में, अजम्पशंस में, आपके एडवांटेजेस में आई है, ठीक। तो इसलिए मैं यहां पे आपको लिख के ये प्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बाद दिस मेथड गिव्स द एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ द लोड, लोड के टर्म्स में एग्जैक्ट मार्जिन दे रहा है कि इतना टाइम्स ज्यादा लोड जो आपके पास आएगा वो अल्टीमेट लोड तक जाएगा, तो आपका जो एक्चुअल में जो आपको सेफ्टी लेके चल रही है वो कितनी लेके चल रही है वो ये डायरेक्टली दे रहा है।
तो आपका यहाँ फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है इतने पे टूटेगा इतने तक जाने नहीं देना है, तो लोड के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसने लगा रखा है। द सेक्शन डिजाइन बाय अल्टीमेट लोड मेथड आर थिनर एंड रिक्वायर्ड लेस रेनफोर्समेंट। वहां पे क्या रहा था, WSL में बड़े सेक्शन आ गए या पतले सेक्शन आने लगे और रेनफोर्समेंट कम हो गया, तो ओवरऑल वेट कम हो गया, और जब भी स्ट्रक्चर का वेट कम हो जाता है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल। तो यहाँ पे थिन सेक्शन आने लग गए तो बेटर सेक्शन आने लग गए मेरे। अब लिमिटेशन की अगर बात करोगे तो थिन सेक्शन कभी कभी यहाँ पे क्या होता था, इतने पतले सेक्शन निकल के आ जाते थे जो आप प्रैक्टिकली प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आपने थिन सेक्शन उतने जो अल्टीमेट लोड मेथड से निकल के आ गया, जो आपने डिजाइन किया, तो आपको डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, वो बहुत पतला सेक्शन आ गया तो फिर क्या होगा, उसमें अलग अलग टाइप के फेलियर हो जाएंगे, वो मुड़ जाएगा, क्रैक आ जाएगा उसमें, तो वैसे फेलियर सारे लग गए। दूसरा, जो यहाँ पे इन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात की थी वो सिर्फ लोड पे बात करी, इन्होंने लोड पे तो लगा दिया, WSM ने स्ट्रेसेस पे लगा दिया था, इन्होंने लोड पे लगा दिया, लेकिन इन्होंने स्ट्रेसेस पे नहीं लगाया। अब स्ट्रेसेस अनकंट्रोल्ड हो गए, स्ट्रेसेस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, तो ये मेथड भी कहीं ना कहीं फेल हो गया। बट ये मेथड सबसे, इसका पॉजिटिव पॉइंट पकड़ोगे तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसका ये था कि इन्होंने नॉन लीनियर बिहेवियर की बात की थी, जो कि WSM में नहीं थी। लीनियर बिहेवियर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है इन सब का बाप मेथड, दैट इज द लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड, यू कैन से दैट, व्हिच इज करंटली आल्सो इन यूज। लिमिट स्टेट मेथड ये कहता है कि यू हैव टू फिक्स द स्टेट फॉर, यू कैन से दैट यू हैव टू फिक्स, एक पर्टिकुलर आपको स्टेट फिक्स करनी पड़ेगी जिस वैल्यू तक कभी भी लोड नहीं पहुंचेगा। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। इसने क्या किया, इसने एक वैल्यू फिक्स कर दी और ये कह दिया इस वैल्यू तक कभी नहीं पहुंच सकती वो चीज, और उस वैल्यू तक कभी नहीं पहुंच सकती, इस तरीके से आप डिजाइन कर दो। और इसने दोनों चीजों पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, लोड पे भी लगाया और स्ट्रेस पे भी लगाया, दोनों चीजों पे। मतलब इसने कंक्रीट पे जो स्ट्रेस आ रहा उस पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, स्टील पे भी लगाया, और लोड के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अलग से दे दिए कि आपका डेड लोड है तो उसका कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको लेके चलना है, लाइव लोड है तो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना है। और इसने हर चीज पे एक लिमिट लगा दी। लिमिट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अल्टीमेट लोड मेथड का ही इंप्रूवमेंट है कि अगर मुझे पता है इस स्ट्रक्चर पे, मान लो इस स्ट्रक्चर की एबिलिटी 20 किलो न्यूटन की है, 20 किलो न्यूटन ये हैंडल कर सकता है, तो मैंने क्या किया, 20 किलो न्यूटन इसकी लिमिट फिक्स कर दी, और मैंने ये कह दिया कि इस पे मैं कभी भी 10 के ऊपर लोड ही नहीं जाने दूंगा। तो मैंने एक अल्टीमेट वैल्यू फिक्स कर दी, मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दी कि 20 पे फेल होगा तो मैंने 10 पे अलाउ ही नहीं किया। अगर मैं 10 अलाउ ही नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये है कि 10 के ऊपर कभी लोड जाएगा ही नहीं और 20 तक ही जा सकता है। मतलब ये 100% सेफ्टी हो गई इसकी, ओवर एक्सेस सेफ्टी आपने प्रोवाइड कर दी। ऐसे मान लो दिस इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड व्हिच फिक्स द लिमिट व्हिच आर एक्चुअली अल्टीमेट वैल्यूज फॉर स्ट्रेसेस एज वेल एज फॉर द लोड, जो कभी अचीव नहीं हो सकती। दिस इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। इफ यू कम टू दिस टेक्निकल डेफिनेशन, यू कैन से दैट दिस इज द मोस्ट रेशनल मेथड, रेशनल मीन सबसे ज्यादा प्रॉपर मेथड है, विच टेक्स इनटू अकाउंट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो द सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट। सर्विसबिलिटी का मतलब होता है बिहेवियर, किसी चीज को कोई काम करना है, टूट नहीं रहा बट वो काम करना बंद कर दिया तो सर्विसबिलिटी नहीं रही उसकी, टूट गया तो कोलैप्स कर गया, काम नहीं कर रहा है, बिहेवियर दिखा रहा है तो वो सर्विसबिलिटी हो गई। तो इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द थिंग्स, कोलैप्स ऑल्सो, स्ट्रक्चर टूटना भी नहीं चाहिए और सर्विसेबल भी रहना चाहिए, दोनों चीजें काम भी करना चाहिए। फाइन, इट इज अ ज्यूडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ WSM एंड अल्टीमेट। ऑब्वियसली बात है, WSM में स्ट्रेस पे कंट्रोल था, यहां पे अल्टीमेट में लोड पे, इसने दोनों को मिक्स कर दिया। तीसरा, the acceptable limits of safety and serviceability requirement before failure occur is called a limit state. आपने एक लिमिट फिक्स कर दी कि भाई इतना वैल्यू है इस पे ये टूट जाएगा या अनसर्विसबल हो जाएगा, इसके नीचे ही मुझे उस पे अलाउ करनी है लोडिंग, पे नहीं लिमिट लगा दी दोनों चीजों के लिए। This method is based on the concept of factor of safety or the concept of safety at ultimate load and the serviceability at the working load. मतलब जब भी आपका स्ट्रक्चर है वो सर्विसेबल रहना चाहिए, जो लोड उस पर एक्चुअल आ रहा है उस पर भी वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो स्ट्रक्चर काम करना बंद करते, जैसे कॉलम खड़ा है पिलर और वो मुड़ गया तो वो अपना काम नहीं कर रहा, उसका काम है लोड ट्रांसफर करना फुटिंग पे, मुड़ गया टूटा नहीं है बट काम करना बंद कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उस लोड के लिए रोक के रखो इसको जिस पे ये मुड़ रहा है, तो मुड़ेगा तो एक्चुअल लोड पे ना, तो वो सर्विसेबल लोड हो गया, मतलब एक्चुअल लोड हो गया, वर्किंग लोड हो गया, क्योंकि उस पर आपने सर्विसेबिलिटी फिक्स कर दी, क्योंकि एक्चुअल लोड पे ही मुड़ेगा तो आपको एक्चुअल लोड तो पता होगा ना। बट टूटेगा कब, टूटेगा जिस लोड पे, वो लोड तक आप ले जा नहीं सकते क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते कि भाई चलो देख लेते टूटता है नहीं, समझ में आ रहा होगा। मुड़ने के बाद तक वैल्यू आप रोक सकते हो कि भाई जिस लोड पे मुड़ने वाला उसके लिए डिजाइन कर दो कि भाई उस लोड तक नहीं पहुंचो वरना मुड़ जाएगा, बट टूटने की वाली बात तो आपको फिक्स करनी है ना, तो टूटने तक नहीं पहुंचना, टूटने के पहले रोक देना, टूटने के पहले रोकोगे उसे बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। जब आप सर्विसबिलिटी के जस्ट पहले रोकते हो तो वहां पे वन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलमोस्ट रहता है। क्यों वन रहता है, क्योंकि सर्विसबिलिटी जहां पे आ रही है, जहां पे खत्म हो रही है, कैसे था, जहां कॉलम मुड़ रहा है वो जिस लोड पे मुड़ रहा है उसी लोड पे डिजाइन करोगे, क्योंकि क्या है ना आप उसको ज्यादा पीछे नहीं ले जा सकते, पहले ही पीछे ले गए, क्यों, क्योंकि टूटना नहीं था। अब सर्विसेबिलिटी भी चेक करनी है तो सर्विसेबिलिटी वर्किंग लोड पे चेक होती है, लेकिन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है वो फाइनल अल्टीमेट लोड पे चेक होता है। तो आप क्या करते हो, आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को पहले ही रोक देते हो,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के बहुत पहले रोक देता हूँ कि 20 किलोमीटर पर टूटेगा, मैं 10 पे रोक लेता हूँ। लेकिन अगर सर्विसेबिलिटी 5-6 पे आती तो 5-6 तक जाना पड़ेगा क्योंकि वो मुड़ जाएगा उस पर। तो वही चीज यहाँ पे डिफाइंड है। दो तरीके से यहाँ पे लिमिटेड स्टेट डिफाइंड की गई है, लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, दो चीजें डिफाइंड की गई है। कोलैप्स की अगर आप बात करते हो तो लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि दिस लिमिटेड स्टेट कोरस्पॉन्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कैटेगराइज इन टू फॉलोइंग टाइप्स। इसका मतलब होता है लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब स्ट्रेंथ, जो आपकी जो स्ट्रेंथ आएगी, द स्ट्रेंथ विच विल डेवलप, या ये जो स्ट्रेस आप दोगे दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू द एक्चुअल और नॉमिनल या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, उससे कम आना चाहिए। ऐसे मान लो टूटने वाली वैल्यू से कम वैल्यू पे रोक देना है, ऐसे मान लो टूटने वाली वैल्यू से कम वैल्यू पे रोक देना है। ये अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर में मतलब बेंडिंग में, लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर में या बॉन्ड में, लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स टॉर्जन में, या लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन में। इन चार तरीके से टूट सकता है। तो जिस वैल्यू पे टूटेगा शियर फोर्स की, जिस वैल्यू पे टूटेगा बेंडिंग मोमेंट की, उस वैल्यू से पहले वाली एक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू के लिए डिजाइन कर देना। वो पहले वाली की वैल्यू जब आप डिजाइन करोगे तो जो फाइनल वैल्यू है अपॉन पहली वैल्यू है जो आपने रोकी हुई है उसको क्या बोलोगे आप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन स्ट्रेसेस। फाइन, सिमिलरली लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, मैंने आपको बताया वर्किंग लोड पे बात करता है कि भाई जो एक्चुअल लोड आ रहा है उसी के लिए आपको रोक के रखना है, उस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस वैल्यू पे मुड़ रहा है वो। तो यहाँ पे दो तीन चीजें डिफाइन होती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के अंदर, लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन मुड़ना नहीं चाहिए, क्रैकिंग क्रैक नहीं डेवलप होनी चाहिए, और लिमिटेड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ये तीनों चीजें किसमें आ जाती है, लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट का मतलब द लिमिटेड स्टेट कोरस्पॉन्ड टू द सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट दैट इज डिफॉर्मेशन क्रैकिंग, इट इज कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। दिस इज द लिमिटेड स्टेट मैथड। लिमिटेड स्टेट मैथड इज बेसिकली अ प्रोबेबिलिस्टिक मैथड विच गिव्स यू अ लिमिट, फाइनल लिमिट, कि भाई इतने लिमिट पर टूट जाएगा, तो यू शुड नॉट गो टू दैट लिमिट, यू हैव टू जस्ट फिक्स द वैल्यू बिफोर दैट लिमिट, एंड द रेशियो इज नोन एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द लिमिटेड स्टेट मैथड। अब आप लिमिटेड स्टेट मैथड में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर आप बात करोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिटेड स्टेट मैथड में जो स्ट्रेस पे लगाया गया है, स्ट्रेस में दो तरीके की स्ट्रेस आती है, एक होता है कॉन्क्रीट पे और एक आएगा आपका स्टील में। स्टील में कंक्रीट में जो अल्टीमेट आपकी फाइनल स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो होती है एफसी के, आपको पता है जो फाइनल स्ट्रेंथ निकल के आती है क्यूब की, क्यूब स्ट्रेंथ होती है। स्टील में जो फाइनल स्ट्रेंथ निकल के आती है वो एफवाई आती है। अब बात करते हैं यहां पे इनकी स्ट्रेंथ की। देखो कंक्रीट में क्यूब की स्ट्रेंथ एफसी के होती है, बट जब आप उसको स्ट्रक्चर में लगाने जाते हो ना तो आपको एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना होता है, वो होता है 1.5 का। तो एक्स्ट्रा जो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके जो आप फाइनल स्ट्रक्चर में वैल्यू लगाते हो वो आता है आपका एफसी के अपॉन 1.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया 0.67 एफसी के। इस वैल्यू को आप स्ट्रक्चर पे मान के, मतलब स्ट्रक्चर क्यूब की स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी, स्ट्रक्चर पे क्यूब थोड़ी लगा रहे हो, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर है, वो कंक्रीट का बन रहा है। अब क्या है, आपने जब स्ट्रक्चर बना दिया तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जब आप कंसीडर करोगे तो आप 0.67 एफसी के कहते हो। ऐसा आईएस 456 हमारा बोलता है कोड, दिस इज एज पर आईएस 456 की स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होगी वो ऑब्वियसली बात है इस क्यूब की स्ट्रेंथ से कम होगी। बट जब आप डिजाइन करते हो तो आप डिजाइन में अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगा के चलते हो, और जो डिजाइन स्ट्रेंथ आपकी आती है लिमिटेड स्टेट में, जो आप डिजाइन में स्ट्रेंथ मान के चलते हो, वो होता है 0.67 एफसी के डिवाइडेड बाय 1.5, एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगा देते हो, ये आ जाता है 0.45 एफसी के। मतलब आप जो डिजाइन वैल्यू लेके चलते हो, डिजाइन स्ट्रेस की जो ऊपर स्ट्रेस के ऊपर जो लिमिट लगा के चल रहे हो वो 0.45 एफसी के मान के चल रहे हो। मतलब आपके लिए जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को फाइनली कितने स्ट्रेस तक ले जाया जाएगा, इतने तक ले जाया जाएगा, लेकिन इतने पे फेल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया है। समझ में आ गया होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया। तो कंक्रीट के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेके चलते हैं 1.5 का, या आईएस 456 स्ट्रक्चर के लिए बोलता है, और ये डिजाइन के लिए हम एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का लगा देते हैं। मतलब मैं इसके ऊपर अलाउ नहीं करूंगा। लिमिट स्टेट कहां है, लिमिट स्टेट बहुत दूर है, लिमिट स्टेट तक नहीं पहुंच रहा है, पहले ही रोक दिया उसको, 20 पे टूट रहा था, 10 के ऊपर जाएगा ही नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा, मैं डिजाइन नहीं कर रहा, तो लिमिट स्टेट लगा दिया मैंने किस पे, कोलैप्स पे, टूटने पे। सिमिलरली स्टील पे एफवाई है, स्टील का ये बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.15, इसका मतलब स्टील पे जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओगे ये एफवाई अपॉन 1.15, दिस इज 0.87 एफवाई। मतलब स्टील की जो फाइनल वैल्यू आप अलाउ करोगे स्ट्रेस की, जो स्ट्रेस कंट्रोल किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15। यहां पे आपने एक चीज ध्यान से देखी कि कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है, स्टील का 1.15 है, कंक्रीट का ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हो। व्हाई क्यू, बिकॉज there is no quality control, there is very difficult to control the quality in case of concrete, but in the case of steel there is nothing like that. Quality control matlab site pe koi concrete bana raha hai ghapla kar sakta hai na, quality means ghapla to hota hi hai, concrete ke andar hota hi hai ghapla, iska matlab ye hoga concrete mein factor of safety zyada lena hai, woh ghapla ho sakta hai, yahan pe ghapla nahi hoga,
यहाँ पे घपला क्यों नहीं होगा, किसके अंदर, स्टील के अंदर, क्योंकि स्टील तो बन के आ रही है, तो स्टील के अंदर घपला नहीं होगा। तो स्ट्रेस पे यहाँ पे आपने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपनी तरफ से माना है, दैट इज ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट प्रेजेंट हियर। सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के लिए भी डिफाइन किया गया है। देखो लोड की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे लिमिट स्टेट मेथड के अंदर एक टर्म डिफाइन की जाती है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब होता है, जैसे वहां पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या था कि 5% ऑफ द मटेरियल विल बी प्रेजेंट बिलो दैट पर्टिकुलर वैल्यू, दैट वैल्यू विल बी द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब होता है द लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड और नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज डिफाइंड एज द लोड विच इज हैविंग 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर। इट मीन्स दैट अगर आप टेस्ट करके एक फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हो, जैसे आपने पहले बनाया था कुछ इस तरीके से, अगर आप आपकी बार यहाँ लोड की वैल्यूज लिखते हो और ये नंबर ऑफ सैंपल्स लिखते हो, तो इस तरीके से कुछ आ रहा था आपका, इस तरीके से कुछ निकल के आ रहा था। यहां पे दिस विल बी योर एफ के लोड की बात कर लो, मतलब ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी हैविंग द 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड। तो इधर साइड में जो वैल्यू मिल रही है, जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, यहां पे जो वैल्यू मिल रही है दिस इज ओनली 5%, दिस वैल्यू इज 95% ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड, ये एक्सीड नहीं करेगा, ओनली 5% इज द चांसेस ऑफ फेलियर। तो अगर फेलियर की बात करेंगे, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, इस स्ट्रक्चर के फेलियर की प्रोबेबिलिटी अगर आप बात करोगे, तो इसका मतलब इन जनरल अगर आप बात करोगे तो 5% चांसेस है कि ये फेल हो जाए, 5% चांसेस है कि ये फेल हो जाए, 95% चांसेस है कि ये फेल नहीं होगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड, इसको ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब हो गया दिस इज हैविंग 5% चांसेस ऑफ फेलियर, दैट इज 95% देयर आर चांसेस दैट द स्ट्रक्चर विल नॉट फेल, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक लोड। सिमिलरली इन्होंने इस लोड के ऊपर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ लगाए हैं, वो कॉम्बिनेशन पे, जैसे डेड लोड और लाइव लोड की अगर हम बात करते हैं, तो डेड लोड का मतलब होता है एक ऐसा लोड जो सेल्फ वेट की वजह से आ रहा होता है, और लाइव लोड का मतलब आप जानते हो जो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग में किसी चेयर रखते हो, टेबल रखते हो, आप खुद जाते हो, ये सब लाइव लोड है जो वेरी करता है। डेड लोड का मतलब उसका खुद का फ्लोर का लोड, वॉल का लोड, वो वेरी नहीं करेगा, वो फिक्स, दैट इज डेड लोड। तो जब भी हम लोड कंडीशन लेते हैं तो हमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्बिनेशन का एक चार्ट लिया हुआ है, उस चार्ट को समझ लेते हैं, हमारे कोड में ही गिवन है। अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करते हो तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है डेड लोड, लाइव लोड, और एक हम लेते हैं विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। सर्विसिबिलिटी के लिए डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया सर्विसिबिलिटी के केस में यू हैव टू कंसीडर द वर्किंग लोड, जो लोड आ रहा है उसी पे तो सर्विसिबिलिटी चेक करोगे। कॉलम मुड़ेगा तो एक लोड पे मुड़ेगा ना, पहले रोक के तो क्या नुकसान ही तो करोगे अपना, इसका मतलब स्ट्रेंथ तो आप पूरी नहीं दे पाओगे ना, फिर उसको आपने पहले ही रोक लिया, मतलब स्ट्रक्चर में आपने लगाया तो पैसा उतना ही, बट आप काम उतना निकाल नहीं पा रहे उससे, कब तक काम निकलवाओगे, जब तक मुड़ना चाहे तो मुड़ने मत दो उसे, बस जस्ट पहले रोक दो। तो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर्विसिबिलिटी के इसमें चाहे डेड लोड ले लो चाहे लाइव लोड ले लो, वन वन ही लेना होता है, ठीक। अर्थक्वेक और विंड लोड की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिजाइन किया जाता है तो या तो अर्थक्वेक लोड कंसिडर करोगे या फिर विंड लोड, दोनों में से एक को कंसीडर किया जाता है, दोनों को भी साथ में कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ठीक। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हो तो डेड लोड और लाइव लोड अगर लेते हो, सिर्फ डेड लोड लाइव लोड, तो अगर आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में बात करोगे तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है 1.5, ठीक। अगर आप डेड लोड और विंड लोड लेते हो तो फिर आप यूज करोगे 1.5 डेड लोड और विंड लोड के लिए भी 1.5। तो जब भी दो लोगे लिमिट स्टेट में यू विल ऑलवेज यूज 1.5 इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर आप तीनों साथ में लेते हो डेड लोड लाइव लोड विंड लोड या डेड लोड लाइव लोड अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड या विंड लोड एक आएगा, तो तीनों अगर ले रहे हो तो दिस इज 1.2 और 1.2। यहां पे एक पॉइंट यहां लिखा हुआ है डेड लोड प्लस विंड लोड के केस में कि 0.9। देखना ये 0.9 वैल्यू तब कंसीडर किया जाता है जब आपका केस ओवरटर्निंग का आ जाता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना ओवरटर्निंग वर्ड, तो उस केस में आप लोड पे 0.9 वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं समझा देता हूं कैसे करते हैं, पहले देख लो, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टीज है। जब आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे जाते हो तो ये वैल्यूज होती है, जब आप लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी देखते हो तो मैंने आपको बताया वर्किंग लोड पे बात करेंगे, एक्चुअल पे 1 और 1, डेड लोड लाइव लोड, डेड लोड और विंड लोड अगेन 1 और 1, और जब तीनों आ जाते हैं, अगर तीनों आ जाते हैं तो दिस विल बी 1, 0.8, 0.8, जब तीनों आ जाते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केस में। अब ये कैसे यूज करते हैं इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोलैप्स की बात करता हूं और मुझे एग्जाम में बोला गया कि ऐसा है मेरे पास डेड लोड है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल 100 किलो न्यूटन का,
लाइव लोड है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 150 किलो न्यूटन का, विंड लोड है मेरे पास 20 किलो न्यूटन का, फाइन ये थी, और अर्थक्वेक लोड है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 30 किलो न्यूटन का। अब मुझसे कहा गया कि लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए डिजाइन लोड बताओ भाई कितना आप कंसीडर करोगे, किसके लिए डिजाइन करोगे। फाइन, तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू, आई विल फॉर्म डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज डेड लोड प्लस लाइव लोड, दोनों का 1.5। डेड लोड है 100 इंटू 1.5 प्लस लाइव लोड 150 इंटू 1.5, ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन, ओवरटर्निंग ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो अदरवाइज 0.9 से अप्लाई करता। दूसरा कॉम्बिनेशन, डेड लोड को 1.5 से अप्लाई करना, तो 100 इंटू 1.5 प्लस विंड लोड को या अर्थक्वेक लोड को, दोनों में से किसी एक को 1.5 से करना है। मैं डिजाइन कर रहा हूं तो ज्यादा वाली वैल्यू कंसीडर करता हूं, विंड लोड है मेरा 20, अर्थक्वेक है 30, तो मैं 30 कंसीडर करता हूं। 30 इंटू 1.5, बात तो एक ही होगी ना, ज्यादा आएगी वैल्यू, मुझे ज्यादा वाली वैल्यू को कंसीडर करना। थर्ड, तीसरा कॉम्बिनेशन, तीनों साथ में, डेड लोड 100 इंटू 1.5, लाइव लोड 150, दिस इज 100 इंटू 1.2, सॉरी दिस इज डेड लोड क्योंकि तीनों ले रहे हैं, दिस इज 1.2 प्लस 150 इंटू 1.2 प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक में से कौन सा लोड लोगे, जो ज्यादा होगा उसी की तरह डिजाइन करोगे। दिस इज 30 इंटू 1.2, इन तीनों में से जो भी वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा आ रही होगी, द वैल्यू दैट विल बी मैक्सिमम, उस वैल्यू के लिए आप स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दोगे विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ में आ गया होगा, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू यूज लाइक दिस ओनली। सर्विसेबिलिटी में कहेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं या 0.8 जैसे दिया हो, फाइनल वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द आंसर, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। दिस इज द लोडिंग कंडीशन, यू कैन से दैट। इसके बाद एक चीज समझ में आ गई है, वी हैव 3 डिफरेंट फिलॉसफीज। वन इज WSF, जो स्ट्रेस पे कंट्रोल कर रहा था, लोड पे नहीं कंट्रोल कर रहा था, फेलियर्स थे उसके अंदर, प्रॉब्लम थी क्योंकि वो इलास्टिक बिहेवियर मान के चल रहा था जो होता नहीं है एक्चुअल के अंदर, सेक्शंस बहुत बड़े आ रहे थे। अल्टीमेट लोड मेथड में लोड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया लेकिन स्ट्रेस पे नहीं लगाया, तो वहां भी वो फेल कर गया क्योंकि स्ट्रेस की फेलियर की कंट्रोल ही नहीं था, स्ट्रेस के ऊपर कोई बताया नहीं था कितनी वैल्यू तक आप स्ट्रेस कर सकते हो स्टील को और कॉन्क्रीट को। दूसरा, वहां बहुत थिन सेक्शन आ रहे थे जो फेल हो जा रहे थे क्रैकिंग वगैरह में। तीसरा है LSM, जो अभी तक यूज होता है। LSM के अंदर दो लिमिट डिसाइड की गई, डिसाइड लिमिट ऐसी की जाती है जो जिसपे फेलियर हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं कि हम उस लिमिट को फिक्स करने के बाद स्ट्रक्चर को उस वैल्यू तक डिजाइन करेंगे जो उस वैल्यू पे कोई चांस ही नहीं हो फेलियर का। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक लोड फिक्स किया गया, लोड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिए गए, उसके बाद स्ट्रेस पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया गया। कंक्रीट की स्ट्रेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया 1.5 का और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डिजाइन के लिए 1.5 का और लगाया, 0.45 FCK पे रोक दिया गया, लिमिट स्टेट की बात हो रही है। स्टील की बात कर रहे हैं तो 1.15 लगाया, क्वालिटी कंट्रोल था मुश्किल करना कंक्रीट के अंदर इसलिए कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा था, स्टील पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया तो मेरी 1.15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, 0.87 FY स्टील की फाइनल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट होकर आगे जो स्ट्रेस कैलकुलेट करके रोक के रखना है मुझे, परमिसेबल वैल्यू मान लो। ठीक, तो यहां लोड पे भी लगा रहे हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी और आप स्ट्रेस पे भी लगा रहे हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दोनों चीजों को कंट्रोल रख रहे हो। दो लिमिट डिसाइड की गई, कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी। कोलैप्स का मतलब फेलियर नहीं होना चाहिए तो रोक दो पहले ही, सर्विसेबिलिटी का मतलब मुड़ना नहीं चाहिए तो मुड़ना नहीं चाहिए का मतलब जस्ट वहां तक जाके रोकना है, तो वर्किंग लोड पे बात होगी, इसलिए 1.1 का या 1.8 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया डिपेंडिंग अपॉन दीज वैल्यू। दिस इज यू कैन से दैट द स्टार्टअप जो हमने दे दिया है बढ़िया सा अपने कॉन्क्रीट का, RCC का, ये बेसिक पार्ट था चैप्टर 1। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना डिजाइन का प्रोसीजर विद द सिंगली बीम, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कॉन्सेप्ट के लिए WSM पे सारी चीजें कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब बीम पूरा WSM पे समझ लेंगे, बीम पूरा WSM समझने के बाद भाई एक एक करके फिर अपना कॉलम WSM में समझ लेंगे, इस तरीके से फिर अपना जो भी हमारे पार्ट्स हैं 14 WSM में समझ लेंगे, एक बार WSM अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि कॉन्सेप्ट है, फिर LSM खेल है हलवा है कुछ नहीं है, और ULM आपको अल्टीमेट लोड मेथड समझना नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं और वो वैसे भी फेल था, ज्यादा टाइम चला नहीं था, सबसे ज्यादा WSM चला और अब LSM चल रहा है कंटिन्यूसली, वही हम डिजाइन के लिए यूज करते हैं। दिस इज एस पांडे साइनिंग ऑफ दिस सेशन, इस सेशन को अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि ये चैप्टर 1 है, दिस इज द बेसिक एंड दिस विल गिव यू अ पुश अप, यू कैन से दैट अ फायर टू स्टार्ट द डिजाइन, इससे आपको जरूरी है इसको एक बार अंदर लगा लो आग को और समझना स्टार्ट कर दो चीजों को, बेसिक है एक बार पकड़ लोगे तो आगे वाली चीजें आराम से जल्दी चली जाएंगी, जलने का मतलब समझ में आती चली जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिंगली रेनफोर्स बीम के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, दिस इज एस पंडित साइनिंग ऑफ, टेक केयर। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE or state services. Kabhi socha hai kyun selection nahi hota hai? Let me tell you. Let me give you the basic introduction ki hota kyun nahi hai. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the
क्वेश्चन लेक्चर्स व्हाट विल डू विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं चाहे आईएएस के लिए हैं चाहे गेट के लिए चाहे एसएससी के लिए और जो भी फैकल्टीज हैं सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा जितना भी फैकल्टीज का। लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो फोन पे व्हाट्सएप पे आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस। आवर न्यू वर्जन 1.1 इज ऑलरेडी लॉन्च्ड एंड एडमिशंस आर ओपन अंडर ऑल आवर कोर्सेज। थैंक यू।